अच्छा दीदी मैं चलती हूँ। निर्मला हाँ तुम तो नहा धोकर घर चली, संभालो इसे। रोज रोज मुझसे तेरा बच्चा नहीं संभाला जाता। देखो ऐसा मत कहना, तूने अपनी सुनी गोद के मारे मेरा बच्चा बिगाड़ रखा है। मेरे पास पैसे नहीं, लो पकड़ो। अच्छा सवेरे सवेरे ही ताड़ी से नहीं चलती है? ताड़ी? अरे ताड़ी पीना तो मैंने कब से छोड़ दिया है, तुम्हें नहीं मालूम? हाँ हाँ मुझे अच्छी तरह मालूम है। ताड़ी पीना तुम छोड़ोगे? अगर अपनी भलाई चाहते हो तो सीधी तरह लोटा रख दो। लोटा? हाँ हाँ लोटा रख दो। माँ सुन लेगी। सुनेगी तो क्या हुआ, मैं तो शाम तक तुम्हारे लिए खाना लेकर बैठी रहूँ और तुम जाकर निचले घर से लोटे भर भर के ताड़ी पीते रहो। मुझे रोज रोज की बातें पसंद नहीं, समझे? नाराज हो गए? छोड़ दो मेरा हाथ। पहले बताओ नाराज हो गए क्या? हाँ। क्यों? मेरी मर्जी। अच्छा तो ये बात। बता। अरे बापी बापी। बस जरा बाहर जा रहा था काम से, पीछे से टोक दिया। बोलो क्या काम है? जरा गाय को मैदान में बांधा। मुझे अभी फुर्सत नहीं। हाँ तुझे क्यों फुर्सत होगी, फुर्सत तो मुझ बुढ़िया को ही है। अब मैं ही जाऊँ गाय को चराने। कौड़ी का काम नहीं करता न घर में घड़ी भर बैठता, और बैठेगा भी क्यों, किसके लिए? 7 साल हो गए शादी को, न एक लड़का हुआ न मुई लड़की। पराए बच्चे को दिन रात गोद में उठा के फिरने से क्या मेरे पुरखे तर जाएंगे? ए है मिजाज तो देखो, अरे औरत का बाल बच्चा ही ना हो तो खसक किस बात की। चल रही चल, मैं भी कुछ दिन देखूंगी, मैं तो रतन का दूसरा ब्याह कर दूंगी। हाय 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 तोड़ दिया, गिरा दिया क्या? कुछ नहीं ना, बर्तन रखने जा रही थी, हाथ से गिर गए। गिर गए हाथ से? गिर गए, अरे हमारे हाथ से क्यों नहीं गिरते? क्या करें, एक हाथ फंसा हुआ था। हाथ फंसा हुआ था, ये हाथ फंसा हुआ था। अरे इतने बर्तन उठाने थे, इस पिल्ले को क्यों उठा रखा है? अरे वाह अभी जमीन से उठा नहीं, जबान बीते भर की निकल आई। ठहर जा, आने दे निर्मला को, ऐसी सुनाती हूँ कि फिर कभी इस पिट्टे को मेरे घर नहीं भेजेगी। है शैतान कहीं का, मर जा मर जा पाजी बदमाश। अरे ये क्या कर रही है, मारना तो मार ही डालोगे क्या? साला जिसका तो मर जाना ही अच्छा है, क्या बदला जो घर के कामकाज पर हाथ लगा जाए। भाभी मार पीट से तो जानवर सुधरते हैं, लेकिन इंसान के बच्चे को अगर सुधारना चाहती हो तो प्यार और मोहब्बत से सुधारना चाहिए। जा बेटा जा जा, मेरी बात याद रखना भाभी। अरे हाँ हाँ ऐसे कल के वादे बहुत देखे हैं, दूध लेते वक्त बीजी बिली और दाम गिनते वक्त कल जा जा। अरे अरे हुआ क्या, सवेरे सवेरे सांस की तरह गला क्यों फोड़ रहे हो? देखो रतन भैया दूध पिए इसका बच्चा और खराब करूँ मैं, और दो सिर दूध हो गया। ओ ये बात है, क्यों जीवन महाराज मैं पूछता हूँ, दूध पिलाने की अगर ताकत नहीं है बच्चे क्यों पैदा करते? सर नहीं आती दादा, डूब मरो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। रतन क्या है, पैसे चाहिए ना? मैं जानता था तुम मेरे झड़ती लोगे, मिन्नत खुशामत करके ताड़ी पीने के लिए माँ से 2-4 आने पैसे लाता हूँ, वो भी तुम लोगों की आंखों में खटकता है। ये लो 4 आने पैसे, अपने बच्चों का दूध पिलाना। मेरी ताड़ी गई बाहर में यार। रतन बस बस अब एहसान जताने की जरूरत नहीं, मेहरबानी करके कल मेरे यहाँ चले आना, घर में गाय है 3-4 सेर दूध होता है, थोड़ा सा दे दिया करूंगा। अरे मेरा क्या है, आगे बैल ना पीछे पगार। और देखो जरा मुँह अंधेरे आना, माँ ने कहीं देख लिया तो तुम्हारी मरम्मत के साथ ही साथ मेरी भी खोपी ऊंची कर देगी, समझे? आई गगन नुमा आई। जानवर को मारी डालेगा क्या, कसाई की तरह मारता ही जा रहा है। तो देख बुद्धू पहिया किचन में बसा हुआ है, खेल दो ना भैया। अरे जा जा खेल दो, मैं तेरे बाप का नौका थोड़े ही हूँ। शकल सूरत तो बड़ी अच्छी है, किसके दामाद हो भैया? दामाद? हाँ दामाद हुआ तो मैं किसी का भी नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, ये चंदन गांव में डॉक्टरी करने के लिए आया हूँ। अच्छा तो तुम ही हमारे नए डॉक्टर हो? जी हाँ। मगर भला तुम्हें कोई पहचाने भी कैसे, अब तक यहाँ जितने भी डॉक्टर आए कोई तो मरियल बुड्ढे और कोई अखाड़े के पहलवान। तुमसे पहले जो डॉक्टर था ना, अरे क्या नाम है उसका, हाँ गदाधर गदाधर। मैंने कहा जरा पहिया भैया। जी हाँ।
भैया तो जरा पकड़ो इसे। जरूर हे लाट साहब, जरा घोड़ा संभालो। हाँ चल वे उड़न खटोले, चल उड़न खटोले। गया गोकुल कंपाउंडर, गया काम से। डॉक्टर नहीं था तो सबको होम्योपैथी की गोलियां खिला खिला कर दो चार पैसे कमा रहा था, उससे भी गया हद तरीके। लोटा तो रह गई। अरे गाड़ी वाले, अरे डॉक्टर, अरे क्या मुसीबत हो, तो लोटे के लिए तो खाने तोड़ूं। अरे खा ले यार, नशे क्या दिखाता है, ये एलोपैथी नहीं है, गोकुल डॉक्टर की होम्योपैथी की दवा है, बस एक ही गोली में हो जाएगी छुट्टी। हाँ देखा, आज शहर से नया डॉक्टर आने वाला है, तू मेरी दवा नहीं खाएगा तो सुबह शाम उसकी सवारी कैसे खेचेगा। भैया गोकुल भैया। क्या है भाई? भैया तुम्हें मेरे घर तक चलना पड़ेगा। क्यों? बच्चे का बुखार बढ़ ही रहा है, उतरता ही नहीं। कल तुमने जो दवा दी थी ना, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हो गई छुट्टी, ऐसे कैसे फायदा होगा, डॉक्टर को पैसे देने पड़ते हैं, सब दवा असर करती है। पैसे? हाँ पैसे। पैसे कहाँ से लाऊं गोकुल भैया, कल घर के चावल बेचकर तुमको चाराने दिए थे। तो मुझ पर बड़ा एहसान किया था क्या? मेरे लिए तो गांव में किसी के पास पैसे ही नहीं रहते, और वो एलोपैथी का डॉक्टर आएगा तो सुइयां लगवाने के लिए सुबह शाम ठन पैसे निकलेंगे। जाओ मैंने जाता, बताओगे छुट्टी। अरे भाई नाराज क्यों होते हो, सुनो सुनो कंपाउंडर। कंपाउंडर? खबरदार जो मुझे कंपाउंडर कहा तो, जब एलोपैथी का नुस्खा लेकर आना तो कंपाउंडर कहना, आए तो होम्योपैथी के दवा लेने, डॉक्टर कहते हो तुम्हारी जबान गिरती है। अच्छी बात है, मैं तुम्हें डॉक्टर ही कहूंगा। हाँ मेरी बच्ची की हालत ठीक नहीं है, पहले तुम चलो तो सही, अभी मेरे पास पैसे तो नहीं। पैसे नहीं तो कैसे जाऊंगा? मगर इस बार मेरे खेत में बड़े अच्छे बैंगन हुए हैं, सिर दो सिर ले लेना। बैंगन? हाँ बड़े अच्छे बैंगन है। सच कहता है या मेरा दिल बहलाता है? नहीं नहीं सच कहता हूँ कंपाउंडर। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। अच्छा चैर जैसे कह के चलता हूँ। जया बेटी जया, अंग्रेजी दवा खाना भी एक मुसीबत है नारायण, या तो दवा बदलती रहती है नहीं तो डॉक्टर ही बदलता रहता। आज एक और नया डॉक्टर आने वाला। क्या है बापू? क्या कर रही थी? मैं क्या हस्ती क्या है? डॉक्टर के कमरे की सफाई करके आ, मैं जरा नारायण की लड़की को देख के आऊँ, होम्योपैथी की दवा लेने के लिए आया है। हाँ चल नारायण। अरे नहीं भाई उधर से नहीं, वो जैसे गंबे आ जाएगा तो हो जाएगी छुट्टी। कंपाउंडर बापू नारायण का था, बापू नारायण का था कि लड़की को देखने गए हैं। ओ नया डॉक्टर से भी आता ही होगा, क्यों ना थोड़ी देर बैठ जाए बिहारी, फिर तो मुझे गोपालपुर जाना है। जी हाँ। तू क्या कर रही है बेटी? बापू डॉक्टर का कमरा साफ करने के लिए कह गए थे, इसलिए साफ करने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जय जगदंदेश, जय श्री माँ की इच्छा। गोकुल की लड़की काफी बड़ी हो गई। जी हाँ रूप रंग भी निखर आया। हाँ अच्छा बिहारी, लोग कहते हैं कि गोकुल कंपाउंडर ने जमीन के अंदर खासी रकम गाड़ रखी है, तुम्हारा क्या ख्याल? जी जब सभी लोग कहते हैं तो कुछ सच्चाई तो होगी। हाँ वही मैं सोच रहा था, गाड़ी की आवाज आई, चलो देखे शायद डॉक्टर आ गया है। ये आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आप है हमारी ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट श्री दास। बस 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 मैं समझ गया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप भाड़ा? हाँ भाई ये लो 5 रुपए। अरे नया आदमी देखकर गला काटता है। बात ये है कि शहर से इतनी दूर आने के लिए कोई गाड़ी वाला भी राजी नहीं था, और रास्ता बेहद खराब है, बेचारा गरीब आदमी। नहीं 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 ये सब इन लोगों के बहाने हैं। लेकिन बिहारी गोकुल अभी तक नहीं आया। गोकुल? हाँ आपका कंपाउंडर जब से ये दवाखाना खुला है वही काम करता है, पास में रहता है।
मुश्किल हो गया। आप नए आदमी हैं, आपको भी सब कुछ बताना समझाना चाहिए, और मुझे गोपालपुर कचहरी जाना है। आप इतना नक्की, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ मेरे ठहरने का क्या इंतजाम है वो बता दें। देखिए ये ऊपर का कमरा। अच्छा वो कमरा। खाने का इंतजाम अगर आप खुद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वरना गोकुल के यहाँ खाया कीजिएगा, मेरा ख्याल है वही बेहतर रहेगा। वो भी ब्राह्मण है, महीने में थोड़ा बहुत कुछ दे दिया। हाँ फिर वो तो पहले के डॉक्टर भी ऐसा ही करते थे। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, बिहारी देर हो गई। देखिए अगर कोई भी जरूरत हो तो बकुल की लड़की है उसे कहिएगा। अच्छा नमस्ते, जय नमस्ते, जय श्री डॉक्टर हूँ जिसकी अभी आप तारीफें कर रही थी। आप? जी हाँ, पहचानने में दिक्कत हो रही है ना, इसलिए कि न तो मेरे बकरे किसी दाढ़ी है, न मुछंदर किसी मुछे हैं, न अंधा हूँ न लंगड़ा हूँ, ठीक है ना? जी हाँ। बहरहाल मैं ही नया डॉक्टर हूँ, अभी दयाशंकर बाबू ने बताया
कि यहीं पे मेरे ठहरने का इंतजाम है। जी हाँ, बापू ने कहा ये कमरा साफ करने के लिए। ओहो, तो तुम कंपाउंडर बाबू की लड़की हूँ। अच्छा, क्या नाम है? किसका? बापू का या मेरा? तुम्हारा? मेरा नाम तो जया है। जया? ओ जया, नाम तो बहुत अच्छा है। जी हाँ। तो कमरे की सफाई हो रही थी ना? सफाई तो बहुत अच्छी हुई है बात। अच्छा, अब मैं जाऊँ? हाँ, तुम अब जा सकती हो। जाऊँ? डॉक्टर, क्या बात है जया? कुछ भी नहीं। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर ऊपर है। ऊपर? अरे नीचे आकर देखो तो सही। अरे मैं हूँ, मैं रतन रतन। ओ आप है? आप? ये आप बात क्या होता है? देखो डॉक्टर, हम देहाती गंवार आदमी हैं, यहाँ तुम्हारी फांसी नहीं चलेगी। सीधे सीधे तुम कहो तुम। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अरे हाँ, मेरा लोटा कहाँ है? लोटा? अरे हाँ, लोटा लोटा। लोटा कैसा? अरे अजीब भुलक्कर आदमी हो। मेरे लोटे की बात याद नहीं, मरीजों के नाम कैसे याद रखोगे? अरे गाड़ी का पहिया निकालते वक्त तुम्हारे हाथ में दिया था ना। वो लोटा तो मैं गाड़ी में ही भूल गया। शाबाश शाबाश डॉक्टर। देखो, अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। कहो। तुम्हारे लोटे की कीमत क्या थी? कीमत? मेरा मतलब है कि तुम्हारा लोटा कितने का था? अरे कीमत वीमत की फिक्र मत करो, वो मैं तुमसे सोले आने वसूल कर लूंगा। वो कैसे? वही जो तुम्हारे दवाखाने में होती है, बोतल वाली पिलैती। तुम्हारा मतलब है? जाना तो आज तुमसे मेरी पहली मुलाकात है, फिर कभी देखा जाएगा। अभी तुम थके हुए हो, आराम करो, अब मैं चलता हूँ। खाना तैयार हो गया? तो डॉक्टर को बुला के ना। अरे वो फंसती रहती है। बापू आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए आइए। क्षमा कीजिए, आज फिर खाना बनाने में देर हो गई। बात यह कि जिया घर में बिना माँ की अकेली लड़की है, सारा काम उसी को करना पड़ता है। पढ़ा भी तो अभी बच्ची ना, इसलिए। उसमें क्या हुआ कंपाउंडर बाबू? मुझे तो वैसे भी खाना देर से खाने की आदत। अच्छा, तब तो हो गई छुट्टी। खाना ले आई बेटी? आप आइए ना, आइए राजे बेटी। ओ बच्ची है ना। ये देहात का खाना आपको कहाँ अच्छा लगता होगा डॉक्टर? ऐसी तो कोई बात नहीं, यहाँ कम से कम अच्छा घी तो मिलता है, भला शहर में क्या रखा हुआ है। हाँ ये तो है। हो गई छुट्टी। कपड़ा खराब कर दिया ना, तुझे कब अगर आएगी? जाने दीजिए, अभी बच्ची तो है। अजी कौन कहता बच्ची है, इतनी बड़ी होगी समझ नहीं आती इसको अभी। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, ये कौन पुकार रहा है? अजी यहाँ तो पुकारते ही रहते हैं सारा दिन। आप खाना खाइए, जाइए, देखिए कौन पुकार रहा है। देखिए कौन? जया दीदी, एक बार डॉक्टर बाबू को बुला दो, मेरे बच्चे का सर फट गया, खून निकलना बंद नहीं होता, बहुत देर से बेहोश पड़ा हुआ है। बस एक बार भेज दो, नहीं तो मेरे इकलौते बेटे की जान चली जाएगी, फिर कभी नहीं बुलाने आऊंगा। तुम जरा ठहरो, डॉक्टर बाबू खाना खा रहे हैं, मैं अभी जाकर कहती हूँ। कौन आया जय? मच्छरों का सरदार झूमर, उसके लड़के का सर फट गया है, खून बंद नहीं होता, इसलिए डॉक्टर बुलाने आया। तुझे मालूम नहीं मच्छरों का इलाज यहाँ का डॉक्टर नहीं करता? क्यों क्यों, ये भी कोई पूछने की बात है? प्रेसिडेंट ने लोगों को समाज से बाहर किया हुआ है, इनके यहाँ धोबी नाई डॉक्टर कोई नहीं जा सकता। वो कहता है फिर किसी दिन नहीं आएगा, सिर्फ आज एक बार के लिए। चुप रह, सिर्फ एक बार के लिए कहते डॉक्टर नहीं आएगा। नहीं, मुसीबत में पड़कर ही बेचारा बुलाने आया है, उसका लौटाना अच्छा नहीं होता, और फिर डॉक्टर का फर्ज भी तो कुछ होता है ना। चलो मैं चलता हूँ। अरे अरे, खाना खाए बगैर चले जाओगे? कोई बात नहीं, मैं वापस आकर खा लूंगा, मगर एक बात बता देता हूँ डॉक्टर बाबू, प्रेसिडेंट को पता चल गया तो झमेला हो जाएगा। मैं उनको बात को समझा लूंगा, ये सरकारी दवाखाना है और यहाँ पर किसी के इलाज से भी इनकार करना अन्याय ही नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है। हो गई छुट्टी, बड़ा आया कानून बचाने वाला। ए जय, क्या देखती है?
डॉक्टर बाबू, क्या है बीमार? तुम्हारी फीस। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपने पास ही रहें दो, बच्चे की दवा ले आना। कल सुबह मुझे बच्चे की हालत जरूर बता देना। अच्छे वादे डॉक्टर साहब। मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे। चलो मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ? हाँ हाँ तो चलो। अच्छा रतन, एक बात तो बताओ। बोलो। ये तुम्हारे गांव की पंचायत में और मच्छरों में क्या झगड़ा है? बस प्रेसिडेंट की मेहरबानी है। लेकिन ये बात तुम क्यों पूछने लगे? मच्छरों के यहाँ गए थे क्या? वहीं से तो आ रहा हूँ। वो बेचारा झूमर सुबह रोता हुआ आया था तो मैं चला गया था। किसी ने मना नहीं किया?
कंपाउंडर बाबू ने मना तो किया था, फिर सुना ही नहीं। वो तो बड़ी बड़ी बातें करने लगा। हाँ। बोला डॉक्टर का फर्ज है मच्छरों को यहाँ नहीं जाना, सिर्फ अन्याय नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है, और ना जाने क्या क्या पक्के चल दिया। हाँ हाँ, नौजवान लड़का है, अभी स्कूल में जोश है। अभी जोश क्या, सब जोश ठंडा हो जाएगा। अभी हम लोगों का फर्ज है उसे समझाना। हाँ। वो तो मैं समझा दूंगा, लेकिन गोकुल तुमसे कुछ बात करनी। करो। बात यह है कि तुम्हारी लड़की बड़ी हो चली है। हाँ, हो गई। तो उसकी शादी ब्याह की भी तो फिक्र करनी चाहिए। हो गई छुट्टी। उसकी शादी ब्याह की फिक्र मुझे नहीं, तो क्या तुम्हें है? अरे प्रेसिडेंट, मेरी अकेली ही तो बिना माँ के एक संतान है वो, मगर कोई ऐसा लड़का चाहता हूँ जिससे कि मेरी जय मेरे पास ही। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, लड़का समझो कि तुम अपने घर ही में है। घर में? हाँ घर में। घर में कौन लड़का है? अर्शु। हाँ मेरा शिवशंकर। हो गई छुट्टी। अरे प्रेसिडेंट, वो देखने सुनने में नहीं जचता, साफ बात है। अरे कंपाउंडर, रूप कभी मर्दों में देखा जाता है। शास्त्र में ही कहा है कि रूप, गुण और आयु, ये तीन लड़कियों में देखे जाते हैं। कहा होगा शास्त्रों में? मैं शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ता, गोकुल डॉक्टर खुद अपना शास्त्री है। हाँ लो, वो आ गया तुम्हारा डॉक्टर। धनुष के साथ जुटा है। हाँ। चलो कंपाउंडर, उसे कुछ समझाएं। नहीं नहीं, ज्यादा आदमी जाने से गड़बड़ होता है, तुम अकेले अच्छा समझाओगे। अच्छा डॉक्टर। ओ आप, नमस्ते। नमस्ते। सैर करके लौट रहे हैं क्या? जी नहीं, तो जरा एक मरीज देखने चला गया था, ये मच्छरों की बस्ती में। मच्छरों की बस्ती में? जय जगदम्बे। ये काम आपने ठीक नहीं किया, खैर अनजाने में एक अन्याय कर डाला। अन्याय? इसमें अन्याय की क्या बात है, आखिर वो लोग भी तो आपके गांव के ही लोग हैं। मगर आप नहीं जानते, हमने उन लोगों को समाज से बाहर कर दिया है। हमारे समाज के, पंचायत के नियम को मानने के लिए वो तैयार नहीं है, और फिर है तो सब नीच। नीच जात? हो, तो आपका मतलब ये है कि नीच जात वालों का इलाज नहीं होना चाहिए? हाँ, इलाज नहीं होना चाहिए। अगर सबके साथ एक जैसा बर्ताव होने लगे तो बड़ों का बड़प्पन कैसा? अरे ऊंचा नीच में कुछ फर्क तो होना चाहिए। मैं उसका फर्क नहीं मानता। नहीं मानते? मान जाओगे डॉक्टर, अगर नहीं मानोगे तो प्रेसिडेंट तुमसे जबरदस्ती मनवा लेंगे। क्यों प्रेसिडेंट? तो चुप रह। सुनिए डॉक्टर साहब, जब आप हमारे गांव में हैं तो हमारे समाज के नियम मानकर ही चलना चाहिए। फिर आप तो लिखे पड़े नौजवान हैं, मैं आपको क्या समझाऊंगा, जो अच्छा समझे कीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ। जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय श्री माँ की। देखते क्या हो डॉक्टर, देखते क्या हो, ये जय जगदम्बे जय जगदम्बे बस मुंह में ही रहता है, मगर दिल में कालिया नाग बसता है जहां मौका मिला। घबरा गए? घबरा गए? अरे भलाई के रास्ते पर घबराना काम नहीं आता, समझे? दोपहर में आप बिना खाए चले गए थे, इसलिए मैंने, यानी बापू ने। घर में है तो निकाल कर देना, 7 दिन से ढूंढ रही हूँ, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। बोल कहाँ खोकर आई है? कह तो दिया कि लोटा मैंने नहीं खोया है। हाँ हाँ, तुम क्यों खोने लगी? लोटे को पर निकल आए थे ना, अपने आप ही उड़ गया। क्या हुआ माँ? हुआ मेरा सर, देखना मेरी सास के हाथ का कितना अच्छा मुरादाबादी लोटा तालाब पर भुलाई, और कहती है मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, अब तक तो कोई उठा कर ले गया होगा या पानी में डूब गया होगा। हाँ हाँ, जरूर डूब गया होगा, क्यों तैरना आता है? अब जाओ तालाब में डुबकियां लगा लगा कर लोटा ढूंढो। देख देख जरा हंसी तो देख, अब हंसने से काम नहीं चलेगा, जैसे भी हो मेरा लोटा ला कर दे। नहीं माँ, लोटा माया ने नहीं खोया है, लोटा तो मैं उस दिन ले गया था। बहू का दोष छुपाने के लिए कहता है मैं लेकर गया था। तू लेकर गया था? तू लेकर गया तो तू ही ला कर दे। हाँ हाँ हाँ, ला दूंगा, कल ही ला दूंगा। खामों का तुम एक लोटे के लिए बखेड़ा करती हो। बखेड़ा? मैं बखेड़ा करती हूँ? समझ गई, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है सब बहू ही है ना।
तुम तो तिल का साड़ बनाती हो, झूठ मूठ माया का दोष दे रही हो। क्या झूठ मूठ? रतन, आज तूने मुझे झूठा भी बना दिया। ठीक है तू सच्चा, तेरी बहू सच्ची, अब तुम दोनों ही इस घर में रहो, मैं ही कहीं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, चल अपना घर संभाल, मैं जाती हूँ। बस बस, किसी को जाना नहीं होगा, मैं ही चला जाता हूँ। रतन रतन, अरे खाना खा कर जा, बस घर में टिकने नहीं दिया ना। मैंने टिकने नहीं दिया? नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं करती, जो कुछ करती हूँ मैं ही करती हूँ। बेचारा सुबह का गया घर खाना खाने आया था, भूखा ही चला गया। अब जाओ कहीं से ढूंढ कर लाओ, हे भगवान मेरी तो जान आफत में है। अरे रतन तो देवता है साक्षात डॉक्टर बाबू, किसी के घर में कोई बीमार हो बुलाओ रतन, किसी के घर में झगड़ा पिसाद हो बुलाओ रतन, किसी के घर में कुछ काम काज हो बुलाओ रतन। अगर दोष है तो यही है कि शराब भांग तारीफ किसी से परहेज नहीं है, मगर तुम लोग मना नहीं करते उसे। बाप रे बाप, उसे मना कौन करेगा, मैं तो उसे फूटी आंखों नहीं सुहाता। मैं गांजा पीता हूँ ना इसलिए, कहता है तो कौड़ी का नशा है तेरा। तुम गांजा पीते हो? नहीं, मैं गांजा तो पीता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी एक दो दम लगा लेता हूँ, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। देखो बंसी, गांजा शराब जितने भी नशे होते हैं ना, इससे बहुत नुकसान होता है। मैं रतन को भी समझा दूंगा, और ये सब करना अच्छा नहीं होता। क्या अच्छा नहीं होता है डॉक्टर? अरे रतन आओ, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था, बहुत दिन जियोगे तुम। अरे हटाओ, जिक्र करूंगा ही क्या, जीने की आप कोई इच्छा नहीं। क्यों, क्या हुआ क्या? अरे होगा क्या, लोटा लोटा। हाँ हाँ लोटा, एक दो बोतलें चढ़ चुकी है। अरे चुपरा के जड़ी कहीं का, ये कोई दो कड़ी का नशा थोड़ी है कि चिलम उठाई और बस नशा हो गया। डॉक्टर ये यहाँ क्या कर रहा है? जान तो ये है सुना, लेकिन गांव वाले इससे गहने नहीं बनवाते, चोरी उठाई गिरी करके दिन गुजारता है, उचक्का है उचक्का। जरा होशियार रहना इससे, है नहीं तो तुम्हारे ही जूते कपड़े लेकर किसी दिन रफ चक्कर हो जाएगा। सुनते हो डॉक्टर, सुनते हो, मैं गांजा पीता हूँ इसलिए जूते कपड़े चला चुका। डॉक्टर निकालो, क्या बड़ी बिलैची, निकालो भैया निकालो, पीकर जरा मन को शांति मिले। जो लोग समझते हैं कि नशा करने से मन को शांति मिलती है वो बेवकूफ होते हैं रतन। अरे वाह 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 वाह, शाबाश डॉक्टर शाबाश, तुमने क्या हम लोग का अकलमंद समझ रखा है। अरे निकालो बोतल। नहीं नहीं, दवा खाने में शराब नहीं मिलती। नहीं मिलती है? नहीं। चलो मैं खुद ही देखता हूँ मिलती है या नहीं। रतन वो सच में अंदर ढूंढ गया डॉक्टर बाबू, देखो टिंकी का मिक्सचर पीनेगा रतन। अरे रतन जी तुम क्या कर रहे हो, दवाओं को इस तरह से हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो फिर तुम खुद ही निकाल के दो ना। सच कहता हूँ डॉक्टर, बिलैती शराब मैंने कभी नहीं पी है। तो पीने की जरूरत भी क्या है, मैं तो कहता हूँ जो तुम पीते हो ना वो भी छोड़ दो तो अच्छा है। छोड़ दो? हाँ, तुम तो बिल्कुल बच्चे जैसी बातें करने लगे। अरे छोड़ना इतना आसान होता तो फिर क्या था। मैंने बहुत कोशिश की है मगर पड़ी हुई लत छूटती ही नहीं। तुम अगर वाकई छोड़ना चाहो ना तो मैं छोड़वा सकता हूँ। कैसे? दवाओं के जरिए। शराब पीना छोड़ा दोगे? अरे वाह वाह डॉक्टर, मैं तुम्हारे पांव पड़ गया। ये क्या कर रहे हो रतन? सच मानो डॉक्टर, अगर तुम शराब पीना छुड़ा दो तो मैं जन्म भर के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। अरे इसी वजह से तो घर में मेरी ब्याहत बीवी तक मुझसे नफरत करती है। ठीक है तो करती है। बापू आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। किसको? ओह तो खाना पीना यही हो रहा है, है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो जय देख जरा अच्छी तरह बनाया खिलाया कर, परदेसी आदमी है ना। अरे भाभी बाप, माँ कहाँ से टपक पड़ी? हो डॉक्टर तुम माँ से कह देना मैंने खूब शराब पी है और घोलने से भी। अरे मगर सुनो तो, मैं तुम्हारी माँ से कैसे झूठ बोलूंगा? अरे बोलोगे बोलोगे, मैं घर से नाराज होकर आया हूँ ना। रतन सुनो। हे बंसी जी, रतन कहाँ है? अंदर है, जाओ ना जाओ। सब गंजेड़ी भंगेड़ी जमा हुए हैं गाँव। रतन, और रतन, अरे इस तरह क्यों पड़ा है, क्या हुआ है? रतन ने शराब पी ली है। रतन ने शराब पी ली है? जई ये छोकरा कौन है नी, इसे पहले यहाँ तक कभी देखा नहीं? मैं यहाँ का नया डॉक्टर हूँ। अच्छा तो देखो, रतन को किसी ने पिला दी होगी, वो पीता होता नहीं है। पीता है, पीता है, खूब पीता है। यहाँ से लो, देखो, चल घर चल, खाना खा ले। मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे बहू पर कोई ऐसा गुस्सा करता है भला? चल। कहता तो हूँ मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? मेरे खाने के लिए न्योता है। कहा? जय ने मुझे खाने के लिए कहा है। ओह नहीं नहीं दादी, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे तो इसमें शर्माने की क्या बात है, मुझे मालूम है रतन को तेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। अच्छा तब मैं चलूँ, बहू बेचारी भूखी बैठी होगी। तुम तो बड़े जबरदस्त आदमी हो, तुमको मैंने खाने के लिए कब कहा था? जजा
तेरे यहाँ खाने के लिए जैसे तरसी तो रहा हूँ ना। डॉक्टर निकालो। क्या वही बोतल? फिर भाई मैंने तुम्हें अभी समझाया कि शराब मस्ती करो, चलो खाना खा लो। मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं? देखो रतन, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अभी तुम तो लड़की की तरह जिद करने लगे, अच्छी मुसीबत है। चलो चलो खा लेता हूँ। क्यों शाम दिखा चुके? चुप रह, मारूंगा एक तमाचा। ए बड़े आए मारने वाले, बुलाओ बापू को। बुलाओ बापू को, बुला ना। बापू 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 बापू। जय लड़की बड़ी अच्छी है। चलो चलो खाना खा लो। बस जरा बाहर जा रहा था, रोक लिया। कहो क्या कहना है? कैसे इधर आओ। क्या बात है? बैठो। तरीके बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? सुना है उस दिन तुमने जया के यहाँ खाना खाया था? हाँ खाया तो था। क्यों? जया ने कहा था इसलिए। जया ने कहा था? नहीं तो क्या, मांग कर खाया था? न मानो तो जया से पूछ लेना, कहो तो बुला लाओ। वो यहाँ आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी, मैं ही बुलाऊंगा, नहीं आएगी। ओ, अब और क्या सुना था? यही कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो। क्यों, किस दुख के मारे? मुझे कोई संतान नहीं, इसलिए। ये लो, ये औरतों की जादू क्या है? तुम लोगों के साथ गृहस्थी निभाना अच्छी खासी मुसीबत है। न जाने कहाँ क्या सुनकर आई है और सवेरे सवेरे रोने लगी। भगवान अब तक मेरी गोद नहीं भरी, ये क्या मेरा दोष है? देखो माया, इस तरह रोना धोना मुझे अच्छा नहीं लगता। जो अच्छा लगे वही करो, तुम चाहो तो जया से। खबरदार खबरदार, मैं कह देता हूँ इस तरह रो रो कर मुझे परेशान करोगी तो मैं मुझे दूसरी शादी कर लूंगा। हाँ तो कर लो ना। कर लो ना बहू। माँ बुला रही है, चलो तुम चलो, मैं आती हूँ। अच्छा मैं जा। बहू, ओ बहू, क्यों रे बहू, क्या कर रही है? करेगी क्या, न जाने कहाँ से क्या सुनकर आई है और अब बैठे बैठे रो रही है। रतन। हाँ रतन, दया लड़की बहुत अच्छी है। हाँ अच्छी अच्छी है। अरे भागता कहाँ है? क्या कहना चाहती हो? ये बात सच है? क्या? जो गांव वाले कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जया का आजकल तेरा बड़ा मेलजोल है, तुम वहाँ जाता आता है। हाँ हाँ जाता हूँ, जाता हूँ। क्यों रे, ये रोना धोना किस बात का? क्या क्या लगाया है मेरे नाम पर? मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया है ना, पर आप कभी चुप भी रहेंगे? चुप रहो? क्यों चुप रहो, किसी का डर पड़ा है क्या? देख मैं आज ही कंपाउंडर के पास जाती हूँ और जया से रतन का ब्याह पक्का करके आती हूँ। हाँ अरे भाई खा ले, मीठी है मीठी, एलोपैथी की तरह कड़वी नहीं है। हाँ खा जा। हेलो, मैं भी सोचूं कि ये भला आदमी जया कहाँ, ये क्या हो रहा है कंपाउंडर? होना क्या है, इस गांव के आदमी छोड़ गधे घोड़े भी मुझे ही ठीक करने पड़ते हैं। अब इसे धूप की बीमारी है, मेरी दो गोलियां खाने के बाद देखना क्या होता है। अब तुम ही सोचो रतन की माँ, वो अंग्रेजी डॉक्टर गांव में आ गया है, अच्छी भली मेरी होम्योपैथी चलती थी, आदमी घोड़े गधे सभी सुखी रहते थे, अब फिर से उसकी इंजेक्शन की सुइयां शुरू हो गई। सुइयां? अरे छी, उन सुइयों से तो तेरी होम्योपैथी लाख गुना अच्छी है। अच्छी है ना? हो गई छुट्टी। आज कहता हूँ रतन की माँ, तेरे जैसी अकलमंद औरत तो और कोई इस गांव में नहीं है। बोल बोल तुझे क्या बीमारी? बीमारी? अरे बीमारी हो तुझे? तुझे मालूम है ना, रतन की बहू को बाल बच्चा जो नहीं होता। अच्छा तो उसके लिए दवा चाहिए, उसके लिए भी यही दवा चले? लो सुना मुहे की बात है। सच कहता हूँ रतन की माँ, होम्योपैथी की एक खुराक से एक नहीं जोड़े होंगे जोड़े। जा तू, कल मैं तेरी बहू को देखने आ जाऊँगा। तेरे आने की जरूरत नहीं, अरे मैं तो आई थी जया की शादी रतन के साथ पक्की करने। हो गई छुट्टी? ये तू क्या कह रही, रतन की बीवी तो जिंदा है और फिर मैं सोतन के घर अपनी बेटी दूंगा, कभी नहीं। अरे तू डरता क्यों है, साथ रहेगी तब ना। तो कहाँ जाएगी? झाड़ू मार कर भगाने वाली मैं जो बैठी हूँ। नहीं नहीं, अपनी बेटी के लिए मैं दूसरी की जिंदगी खराब नहीं करूंगा, और फिर जया की शादी तो पक्की हो चुकी है। पक्की हो चुकी है? किसके साथ? पाँच सात आदमियों के साथ। मेरा मतलब है कि पाँच सात आदमियों से बातचीत हो रही है, वो अपने गाँव का प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट, उसके लड़के से भी बातचीत हो रही है। सुनो तो मुए की बात है, अरे जया की शादी उस मुए बंदर बहरे के साथ करेगा। क्यों बहरा? बहरा नहीं तो और क्या, इतना भी नहीं जानता तो हुआ करे बहरा, मेरी होम्योपैथी की दवा बहरा तो क्या गुंगा भी ठीक करे। जन्म के बहरे को ठीक करेगा, वो भी दमड़ी की दवाई से। दे, 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 देखो रतन की माँ, खबरदार जो मेरी होम्योपैथी के खिलाफ एक बात भी कही तो बस हो गई छुट्टी। जाओ जाओ तुम जाते। क्या? अच्छा तो मैं जाता हूँ। जा जा, बड़ा आया घोड़े का डॉक्टर,
अरे इतनी सुंदर लड़की की शादी उस मुए बंदर बहरे के साथ। मैं तो इस बहरे के मारे तंग आ गई। कलमुए खूब गला फाड़ फाड़ कर गा रहा है, किसी और बात का भी होश है? अभी बाप आकर कहेगा खाना लाओ, जल्दी कचहरी जाना है। कहती हूँ घर में जरा भी ईंधन नहीं है, रसोई कैसे चढ़ेगी? ले कटारी, जल्दी से लकड़ी काट ला, ले। क्या काट ला? मेरा सर। लो, लो, आ गए प्रेसिडेंट साहब। अरे कटारी हाथ में लेकर क्या कर रहा? बुआ क्या कहती है जानते हो? क्या कहती है? मेरा सर काट दे। अच्छा जा जा। कमला क्या है, खाना चाहिए ना? हाँ। अभी रसोई नहीं चढ़ी है, घर में ईंधन नहीं है, शिव से कह रही थी लकड़ी काट लाने के लिए। लकड़ी क्यों, कोयला क्या हुआ? कोयला क्या हुआ, बड़े प्रेसिडेंट बने फिरते हो, मालूम नहीं चार मन कोयले का दाम बाकी है। कोयले वाला मुंह पर उल्टी सीधी सुना गया। क्या उसकी ये मजाक, दो कौड़ी का आदमी, वो क्या कहा? मैं उसके मुंह तोड़ूंगा। मैंने क्या किया? अरे नहीं तो कहा सरकार की। पगला कमला, सोच रहा हूँ शिव की शादी कर। शादी? हाँ। लड़की कौन लेगा? देगा देगा, वो बंदोबस्त मैं कर लूंगा, बात भी मैंने चला रखी है। अच्छा तू देख, एक काम कर, जल्दी से रसोई चढ़ा दे, कचहरी जाने के लिए देर ना हो जाए। सुना? हाँ। क्या सुना? पिताजी पेट्रोल शादी करेंगे। चाय लीजिए। ओ ला। सुनो, तुम्हारे बापू कह रहे थे कि तुम बड़ी शरीफ हो, दिन भर आम और अमरूद के दरख्तों पर चढ़ती फिरती हो, हर एक से झगड़ा करती रहती हो, मगर ये तो बताओ कि जब तुम मेरे सामने आती हो तो इसको तो घबरा क्यों जाती हो? नहीं तो नहीं कहते, मैंने हमेशा देखा है कि जब भी तुम मेरे सामने आती हो तो कुछ खो सी जाती हो, न जाने तुम्हारी वो शोखी वो शरारत ये सब कहाँ चली जाती, ऐसा क्यों होता है? मैं क्या जानूं? मगर मैं जानता हूँ। बताओ। क्यों? तुम ऊपर क्या कर रहे थे बापू? करना क्या था, मैं केले गिन रहा। कुछ कम हो गई क्या? कौन कहता कम हो गए, कैसे कम हो सकते हैं, जानते मैं केले खाता नहीं। और ये गिर गया था, मैंने सोचा कि जोड़ दूं। जोड़ दूं? हाँ। फिर चलो अपना काम कर। अच्छा तुम तालाब से पानी ले आओ। आजा ले। और देख रास्ते में अमरूद मत तोड़ना, तेरी फल चुराने की बड़ी बुरी आदत है। मुरादी डोले जी डोले, हाय पापी पी डोले पी।
सवेरे सवेरे ही निकल पड़े हैं, चाय का इंतजार तक नहीं किया गया। उफ, क्या हालत बना रखी है कमरे की, कबाड़ी की जैसी दुकान छोड़ के चल। क्यों ना हो, एक मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है, फिर क्या चिंता। और ऊपर से कहते हैं तुम मेरे सामने आते ही घबरा क्यों जाती हो। जया किसी से घबराती नहीं डॉक्टर साहब, मैं क्यों घबराऊंगी। कहेंगे मैं जानता हूं। क्या जानते हैं, जानते क्या हैं? बताऊं? क्या बताएंगे, यही ना। जया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आपको कोई इतराज है? अब क्यों घबरा गई? जया, रतन भैया। ओ डॉक्टर, जाइए ना। अरे रतन। हाँ। क्या बात है? अरे बात क्या होगी, चलो ना रस पीकर आए। रस? हाँ रस, तुम तो पिलाओगे नहीं, मैं ही पिला चलाऊ। हाँ नीचे आओ। हाँ बेटा, जाइएगा नहीं, न जाने क्या सब पिला देंगे। कह दीजिए आपको कुछ काम है। क्या हुआ? अरे चुपचाप खड़े क्यों हो, उतरो ना। आज नहीं, फिर किसी दिन चलेंगे। आज जरा मुझे कुछ काम है थोड़ा सा। बड़े आए काम काजी, यहाँ कौन सा मरीज बैठा है तुम्हारा, उतरो ना। नहीं रतन, आज वाकई एक बहुत जरूरी काम निपटाना है, फिर किसी दिन चलेंगे। वो सब बहाने बाजू मैं नहीं सुनूंगा, देखता हूँ कैसे नहीं चलते। अरे रतन सुनो, ऊपर आ रहा है। तुम क्या करो? अच्छा ठीक है, तुम कहीं तो जाओ ना, तुम्हारे पास आएंगे। ओहो, अरे मरीज तो तुम्हारे घर में ही मौजूद है डॉक्टर। रतन ये तो ठीक है ठीक है, लेकिन ये तो बता तुम्हारी इस मरीज को कौन सा मर्ज है। अच्छा नहीं होगा रतन भैया, मैं बापू से कह दूंगी। हाँ। अरे ये लड़की तो बात बात में बापू का डर दिखाती है, जाना कह देना जाके। डॉक्टर तुम्हारे शहर में अंधे कान या अपाहिज लड़के बहुत से तो होंगे, एक आपका नाम पता तो बताओ, उसी के पल्ले बाकी इसे गाँव से विदा कर दूँ। बड़े आए विदा करने वाले, तुम्हारे कहने से मेरी शादी किसी अंधे कानी के साथ थोड़ी होगी। और नहीं तो क्या, तेरी शादी डॉक्टर जैसे लड़के से होगी। सुना डॉक्टर, जमीन पे रहकर चांद को छूना चाहती है। अरे तुम गंभीर क्यों हो गए? अरे भाई मैं गंवार आदमी हूँ, न जाने क्या कहते कहते क्या मुंह से निकल गया। अजय, अरे जी, ए जी, ये देखो रोते रोते चलिए, क्या मुसीबत है? डॉक्टर मैं तो तुमसे कह रहा था,
ये लो, तुमने भी मुंह लटका लिया। नहीं तो, नहीं तो क्या? अच्छा डॉक्टर, एक बात पूछू। कहो। ये प्रेम रोग का इलाज तुम पहली बार कर रहे हो या एक दो बार और भी कर चुके हो? नहीं नहीं डॉक्टर, मजाक नहीं डॉक्टर, मजाक नहीं। मैं कहता हूँ किसी की जिंदगी से मत खेलना। अगर प्यार करना है तो सच्चे दिल से प्यार करो। मगर हाँ एक बात याद रखना, ये तुम्हारा शहर नहीं है, गांव है। गांव यहाँ जो कुछ भी करो समझ बूझ के करना, समझे? अच्छा अब मैं चलता हूँ। कंपाउंडर बाबू, कंपाउंडर बाबू, ये दवा तैयार करके नहीं दे दीजिए। किसके लिए? इनकी लड़की के लिए। इनकी लड़की को इस दवा की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसे होम्योपैथी की दवा दे दी। होम्योपैथी? जी हाँ होम्योपैथी। आप अच्छी तरह से जानते हैं, होम्योपैथी एलोपैथी की माँ। तुम हंसते हो हमारी होम्योपैथी में? हंसते हो? हंसू नहीं तो क्या करूँ कंपाउंडर बाबू, होम्योपैथी में मुझे विश्वास नहीं रहता। नहीं होता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हो गई छुट्टी? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी तुम्हारी नहीं पड़ेगी। आज से बोलकर बंद, और ज्यादा बातचीत करो तो मारपीट हो जाएगी। तो आप मेरी कंपाउंडरी कैसे करेंगे? नहीं करूंगा साहब, ये लीजिए 10 रुपए की कंपाउंडरी की धमकी देते हो गई छुट्टी। आप तो बड़े मजेदार आदमी वाले होते। क्या कहा? मजेदार आदमी मैं होता हूँ? हाँ मैं मजेदार आदमी। आज से मेरे घर आना, खाना खाना और चुपके से चले जाना, बातचीत नहीं करना। मगर ये कैसे हो सकता है? आपके साथ काम करूं, आपके यहाँ खाना खाऊं और आपसे बात ना करूं? हाँ नहीं करोगे, वरना कहीं और खाने का बंदोबस्त कर। ठीक है, मैं कल से रतन के यहाँ खा लिया करूँ। रतन के यहाँ कैसे खा लिया करोगे? आज तक कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आया जिसने मेरे घर में खाना न खाया हो। रतन के यहाँ खा लिया करूँगा कह दिया। ये अजीब मुसीबत है, आप न तो मुझे यहाँ खाने देंगे और न किसी और के यहाँ। हाँ, नहीं खाने दूंगा तो मेरे घर में खाना खाओ और मेरी होम्योपैथी की बदनामी करो। अच्छी बात है कंपाउंडर बाबू, मैं बदनामी नहीं करूंगा। आपकी होम्योपैथी बहुत अच्छी, बहुत। इससे सोच समझ के बात किया करो ना, वरना हो जाएगी छुट्टी। लाओ जया, तुम्हारे बापू तो बड़े दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं, अपने आगे किसी को सुनते ही नहीं। मुझे क्या मालूम था कि होम्योपैथी की बुराई करने से उस कदर बिगड़ते हैं। अरे तुम कहाँ चली? ओहो समझ गया, तुम्हारे बापू की होम्योपैथी की बुराई की है, इसी वजह से शायद तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। हम भला आपसे क्या बात करेंगे, आप बड़े आदमी हैं, बड़े डॉक्टर हैं, आप तक हमारी पहुँच कहाँ? हम तो किसी अंधे काने लंगड़े लूले से ही बात करेंगे। अच्छा तो गया के रतन की बातें दोहराई जा रही हैं। तुम तो जानती हो जया के रतन किस कदर सनकी आदमी है, एकदम पागल, जो कुछ उसके मुंह में आता है बकता चला जाता है। उसकी बातों पर तुम ध्यान ही क्यों देती हो? रतन भैया ने ठीक ही तो कहा था। अच्छा और नहीं तो क्या? ठीक है, अगर मेरे यहाँ रहने से तुम लोगों को तकलीफ होती है तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। उधर कंपाउंडर बाबू मुझसे बात नहीं करेंगे, इधर तुम नहीं बोलोगी तो क्या मैं दीवारों से बात करूंगा? मैंने कब कहा था नहीं बोलूंगी? अभी तो कहा तुमने। वो तो सुबह रतन भैया ने कहा था, इसीलिए। तो ये तुम्हारे मन की बात नहीं? जया तुम भी कितनी पगली, अब मेरा यहां से जाना इतना आसान थोड़ी है। तुम्ही ने तो तमाम रास्ते रोक रखे। मेरी तरफ देखो, हंसो हंसो। Thank you.
देख लेगा। मैं तो ये प्रेम गली पहल पहल आज चली, मैं तो ये प्रेम गली पहल पहल आज चली, मेरे संग पिया घबराए मुरादिया रे, हाय कोई देख लेगा। के भरे तेरे बहना जब से उलझी ये नजर उलझी मेरे दिल की डगर, जब से उलझी ये नजर उलझी मेरे दिल की डगर, मेरे संग पिया घबराए मुरादी आ रे, हाय कोई देख लेगा। प्रीत की ये डोरी दुनिया की नहीं चोरी रे, कोई क्या देख लेगा। कहता है क्या रंग भरे सपनों की दुनिया सजा ले, लाज लगी और तू मुही आँखों में अपनी छुपा ले। प्यार करते हैं जमाने का हमें डर कैसा, प्यार करते हैं जमाने का हमें डर कैसा, मेरी संग पिया घबराए मुरादिया रे, हाय कोई देख लेगा। देख की ये डोरी दुनिया की नहीं चोरी रे, कोई क्या देख लेगा। देख की ये डोरी दुनिया की नहीं चोरी रे, कोई क्या देख लेगा। कोई क्या देख लेगा, अच्छा मैं ही देख लेता हूँ। जय जगदम्बे। डॉक्टर का क्या पूछ तो प्रेसिडेंट, हर रोज झगड़ा करता, अभी कल ही बोलचाल बंद। तुम्हारे साथ बोलचाल बंद रहे रहा करे, उसका क्या बिगड़ता। क्यों तुम्हारी लड़की के साथ तो मीठी मीठी बातें चलती है। अरे मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि नदी किनारे दोनों हाथ में हाथ डाले गाना गाते फिरते हैं। गाना गाते? हाँ। अच्छा नहीं गाएंगे, मना कर दूँ। ओ बेचो, तुम्हारे मना करने से सुनेगा कौन, जवानी भला किसकी मानती है। मेरी मानो तो जल्द ही लड़की की शादी कर दो। कहते तो तुम ठीक हो, मगर ये डॉक्टर का बक थम्मू पैसे में जो नहीं मानता। फिर भी लड़का अच्छा है, मगर मैं तो बात नहीं करूं। प्रेजेंट तुम जरा डॉक्टर से मेडिकल से बात चला के देखो ना। डॉक्टर मैं? जय जगदम्बे, जैसी माँ की इच्छा। बेटी तुम्हारी है गोकुल, तुम ही बात कर लो। मगर हाँ एक बात कह देता हूँ, बेटी की शादी अगर डॉक्टर से करोगे तो तुम्हारी बड़ी खुआरी होगी। इतना प्रपंच होगा कि गांव में रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हो जाने दो, क्या कहा प्रपंच होगा? हाँ तो फिर रहने दो, कोई शादीवादी की जरूरत नहीं। मैं पूछता हूँ तुम इस डॉक्टर को यहाँ लाए क्यों? अच्छी खासी मेरी होम्योपैथी चल रही थी, तुमने लाके ग्रहण डाल दिया। निकाल दो, भगा दो, हो जाए चुके। निकाल दो भगा दो कहने से ही तो काम नहीं चलेगा। ये पांच पंचों का मामला है, पंचायत की बदनामी हो जाएगी। मैं कौन होता हूँ, मैं तो तुम गांव वालों का सेवक हूँ, जो तुम लोग कहोगे वही मैं करूँगा। तो ऐसे करो, मेरी जय की शादी तुम अपने शिव के साथ ही करो। हाँ हो जाए। अच्छा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शिव की शादी जया के साथ करोगे? कंपाउंडर राजी हो गया? राजी कैसे ना हो, बिरादरी से निकाल नहीं दूंगा। क्यों नहीं, सरपंच जो ठहरे। मगर दादा तुम्हारी नजर जया पर ही जाकर कैसे पड़ी? कंपाउंडर के पास काफी रुपया पैसा है शायद। बहुत बहुत, लोग कहते हैं कंपाउंडर ने बहुत सा धन जमीन के नीचे गाड़ रखा है। वही तो मैं कहूँ, ऐसे तो दादा किसी तरफ हाथ बढ़ाते नहीं है। अब समझी, खूब दिन रात जय जगदम्बे रखते फिरो और मन में किसी न किसी के सर्वनाश की चिंता। चुप रह, सीधी तरह से बात करना नहीं आता। सीधी बात तुम सुनते कब हो? मैं कहती हूँ शिव का ब्याह अगर करना ही है तो उस जैसी लड़की से ही करो,
क्यों जया जैसी लड़की का जीवन नष्ट करते हो? बस बस रहने दे, देखता हूँ तो ये शादी तोड़ देगी। हुआ क्या हुआ पिताजी, उठ क्यों आए? अब उन्हें भात थोड़े ही अच्छा लगेगा, उन्हें ये चिंता लगी है कि गोकुल की पूजी का भात लगे। ठीक कहती हो, बात बिल्कुल कच्चा है। धन्य हो। ए ए कलमुए, कहती हूँ जरा अच्छी तरह जुल्फे चिकनाया कर, जया के साथ तेरी शादी होगी। किसके साथ? जया के साथ। जया, जया के साथ शादी होगी। मगर मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर दयाशंकर बाबू ने हमें देख कैसे लिया? आपकी समझ में भला कैसे आएगा, मगर मैं पूछती हूँ कल आपको यहाँ आने के लिए किसने कहा था? अच्छा, तो गोया कि वो कसूर भी मेरा ही था। और गाना जो आपने पहले शुरू किया? गाना शुरू किया था। जब शिव के साथ मेरी शादी हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। हाँ मजा तो आ ही जाएगा, आखिर प्रेसिडेंट के बेटे की बहू। छोड़िए, अब ये तो बताइए क्या करना चाहिए? अरे यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। सोच रहा हूँ। आप तो बस सोचते रहिएगा, आपसे कुछ नहीं होगा, जो करना है मैं ही करूँगा। जया सुनो तो, क्या है? कुछ नहीं, पानी लाने गए थे। क्यों, कान तो बहरे हैं ही, अब आंखें भी फूट गई क्या? हाँ? मैं कहती हूँ कान तो बहरे हैं ही, अब आंखें भी फूट गई क्या? चल कोई ऐसा कहता है। सुन, क्या है बोल? कहता हूँ मैं, ये हम लोग गोपालपुर जा रहे हैं सिनेमा देखने, तू भी चल। तू भी चल? मैं क्यों जाऊंगी तेरे साथ? मैं क्यों जाऊंगी तेरे साथ? क्यों, क्या हुआ? मेरे साथ तो तेरी शादी होगी। अच्छा, जानती नहीं, पिताजी ने कहा है। तू चलेगी ना? इधर बैठ। यहाँ? हाँ हाँ यहाँ। संपाउंडर बाबू क्या है, क्या कहा है आपने सब गवालों से जाकर? क्या कहा है? यही कि यहाँ से दवा कोई न लिया करे, वो कहते हैं एलोपैथी हमको पसंद नहीं, होम्योपैथी हमारे वास्ते अच्छा इलाज। तो ठीक ही तो कहते हैं, एलोपैथी के इलाज के लिए पैसे किसके पास? मगर पैसों की उसमें क्या जरूरत है? क्या आप नहीं जानते कि खरा की दवा खाना है और यहाँ पैसे नहीं लगते? तो हुआ करे, फिर भी लोगों की बहु बेटियां यहाँ दवाखाने में आएंगी, टाइफाइड और निमोनिया के मरीज यहाँ चल के आया करेंगे क्या? वो नहीं आएंगे तो मैं चला जाया करूंगा, उसमें क्या हुआ? मगर तुम्हारी फीस कौन देगा डॉक्टर बाबू, यहाँ दो चार आने देने वाला कोई नहीं, पाव दो पाव चावल मिलेंगे, फिर दो से बैंगन मिल जाएंगे, लोगे? मैं फीस ही नहीं लूंगा। बस तो फिर हो गई छुट्टी, फीस नहीं लोगे तो यहाँ तुम्हें कोई डॉक्टर ही नहीं मानेगा, बोलेंगे ये डॉक्टर कह रहा जो फीस ही नहीं लेता, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा आगे इस गांव में मरने के लिए। जो जिसका जिस है बकवास किया करे, मुझे परवाह नहीं, मगर मैं मरीजों का इलाज जरूर करूंगा। इलाज क्या था करोगे, एक इंजेक्शन लेने में लोगों के बर्तन बिक जाएंगे, यहाँ के गांव के लिए होम्योपैथी अच्छी है डॉक्टर बाबू। होम्योपैथी अगर अच्छी थी तो आपने इसे कुनैन क्यों दी? कौन कहता मैंने कुनैन दी? मैंने अपनी आंखों से इसके घर में कुनैन की गोलियां देखी। हाँ तो क्यों ना देता कुनैन, कुनैन दवाई होम्योपैथी की है तो मैं एलोपैथी वालों ने चुरा ली है, मलेरिया में कुनैन नहीं दूंगा क्या दूंगा? तो मलेरिया नहीं था, आप तो आता जाता कुछ नहीं दवा दे दिया करते, आप एलोपैथी होम्योपैथी कुछ नहीं जानते। क्या कहा? मैं होम्योपैथी नहीं जानता। बिल्कुल नहीं जानते, चिल्लाइए मत, जो मैं कह रहा हूँ कीजिए, लीजिए ये दवाई से बना कर दीजिए। मैं नहीं बनाऊंगा, मैं होम्योपैथी नहीं जानता। अच्छी बात है तो हो गई छुट्टी। मैं होम्योपैथी नहीं जानता, अभी बताता हूँ तुझे मैं क्या क्या जानता हूँ। जय, अगर मैं होम्योपैथी नहीं जानता तो तेरे घोड़े का इलाज गधे ने किया था, वो तेरा गठे कमारा घोड़ा दो कदम नहीं चल पाता था, ये गोकर डॉक्टर की होम्योपैथी का कमाल है कि वही घोड़ा आज फटाफट दौड़ने लगा। जय, कहाँ मर गई? देख खबरदार, आज से डॉक्टर से बातचीत बिल्कुल बंद, और बातचीत क्या, गाना गाना भी बंद, और ये दरवाजा भी बंद कर दे। हो गई छुट्टी, एक बार पहले भी इसने मेरी बुराई की, ये मेरा अपमान करेगा और मेरी लड़की का गाना गाएगा, नहीं गा सकता, और इसका खाना भी बंद कर दे आज, जब मर्जी हो खाए इसकी।
देखता हूँ क्या खाता है। मुझे होम्योपैथी नहीं आती ना, मैं आज इसको होम्योपैथी की पूरी किताब रख के बताता हूँ कि मैं क्या जानता हूँ। हो गई छुट्टी। सचमुच किताब लेकर बैठ गए? खाना नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा, जब तक पूरी किताब नहीं रख दूंगा खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। हो गई छुट्टी। आज मैं बता दूंगा कि होम्योपैथी क्या बुलाया और गोकर क्या बुलाया। हाँ, कहाँ गया कम्बा? ये अर्सेनिका, अर्सेनिका सख्त जलन पैदा करने वाला दर्द जैसे तन में आग लगी, सख्त जलन पैदा करने वाला दर्द जैसे तन में आग लगी हो। नक्सोनिका, अंदर जाड़ा बाहर गर्मी, बाहर जाड़ा अंदर गर्मी, अंदर जाड़ा बाहर गर्मी, बाहर जाड़ा अंदर गर्मी। महरिका, अंदर बाहर दोनों गर्मी, महरिका अंदर बाहर दोनों गर्मी, अंदर बाहर दोनों गर्मी। अरेका, अरेका हड्डियां टूटती हूँ, पीठ में दर्द हो, घुटने दुखते हो, घुटने दुखते हो, पीठ में दर्द हो, हड्डियां टूटती हूँ। अरेका, अरेका हड्डियां टूटती हूँ, पीठ में दर्द हो, घुटने दुखते हो। अरेका, अरेका हड्डियां टूटती हूँ, पीठ में दर्द हो, घुटने दुखते हो, घुटने दुखते हो, पीठ में दर्द हो, हड्डियां टूटती हूँ। अरेका, अरेका हड्डियां टूटती हूँ, पीठ में दर्द हो, घुटने दुखते हो, घुटने दुखते हो, घुटने दुखते हो, पीठ में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, नहीं, हमारे यहाँ आपको खाना नहीं मिलेगा। यहाँ जी चाहे बंदोबस्त कीजिए। मेरे बापू का अपमान करेंगे, ऊपर से मेरे साथ गाना गाएंगे। हाँ ये ठीक है, सुना दे इसी तरह खरी खरी। मैं होम्योपैथी नहीं जानता। हम लोग आपसे नहीं बोलेंगे, मैं भी नहीं बोलूंगी, बापू भी नहीं बोलेंगे। बस हो गई छुट्टी। जल्दी से खाना खा लीजिए, बहुत देर हो गई। क्या बात हुई? मैंने अच्छी तरह सुना दिया है, साफ साफ कह दिया है कि हमारे यहाँ आपको खाना नहीं मिलेगा। कह दिया ना? अच्छा किया, बहुत अच्छा, अच्छा किया ना? हाँ चलो बापू, हम लोग खाना खा लें। हाँ चलो खाते हैं। मगर सुन तो, क्या है बापू? मैं कहता हूँ ये परदेसी और कम वक्त है भी ब्राह्मण, भूखा तो नहीं पड़ा रहेगा? रहने दो ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हारी होम्योपैथी की बुराई की है ना? हाँ वो तो की है, मैं होम्योपैथी नहीं जानता। कहके एक जबान उठाई मारती, तू ठीक कहती है, पड़ रहे भूखा, चल खाना खाते। हाँ मगर ये ठीक रहेगा ना? क्या यहीं से हम लोग तो खाएं और वो बेचारा माँ बाप से दूर प्रदेश में भूखा पड़ रहे, अच्छा नहीं लगता जी। अच्छा जा, तो आज इसे बुलाई। हाँ मगर उसे कह दीजिए कल से अपना बंदोबस्त कर ले। मैं नहीं बुलाऊंगी, अगर बुलाना है तो तुम खुद बुला लो। बस मैं क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगा, मेरी उससे बातचीत बिल्कुल बंद है। तो क्या हुआ, आज के दिन और कर लो, कल से मत करना। आज के दिन कर लूँ? अच्छा तो कहती तो कर लेता, मगर उसे कह देना ये रोज की आदत अच्छी नहीं है। नहीं बापू बिल्कुल नहीं। ए डॉक्टर, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर जाओ, डॉक्टर खाना खा लो। अरे ये पहले ही होगी छुट्टी? जी हाँ। जय जय जय। क्या है बापू? अरे वो तो खाना खा रहा है। कैसे क्या हाथ छोड़ कैसे पूछती है कैसे? मेरा मतलब है उसको खाना कहाँ से मिल गया? अरे यही तो मैं पूछता हूँ, उसे खाना कहाँ से मिल गया? जाई तू तो उसे खाना नहीं दे के आई। नहीं बापू, तुम भी कैसी बातें करते हो, वो तुम्हारी होम्योपैथी की बुराई करे और मैं उसे खाना दूँ, उसे गाली दूँ गाली? हाँ ये तो मैं जानता था, मैं भले ही तरस खा जाऊँ मगर तू तरस खाने वाली नहीं है। मगर फिर भी उसको खाना किसने दिया? मैं बताऊँ? बोलो। जरूर कोई मरीज दे गया होगा। मरीज? तब तो हो गई छुट्टी। अरे अगर उसने भी दाल रोटी पर डाकरी शुरू कर दी तो अपना क्या बनेगा, अपने को तो पहले ही दो बैंगन मिलते हैं।
अरे तुम शीशी मत लेना। हाँ, क्या कहा? शीशी न लूं तो भूखा मरूं? क्या हुआ, हम लोग गांव वाले हैं, दो चार दिन नहीं खाएंगे। मगर ये शहरी डॉक्टर है ना, शहरी डॉक्टर, एक दिन खाना नहीं मिला तो यूं भाग जाएगा। भूखा ही भागेगा? होम्योपैथी का मुकाबला करने आया? अरे पहले भूखा मरना सीखो डॉक्टर, भूखा मरना। चलो हम लोग खाना खा ले। हाँ, तो खाऊंगा, खूब खाऊंगा, क्योंकि इसे भी पकाने के लिए फाके करने ही पड़ेंगे। चलो लाओ खाना। ये लीजिए चाय, बस आज और पी लीजिए, कल से अगर जरूरत पड़े तो खुद बनाइएगा। सिंहा सुल्तान आता है ना, खाना पका सकते हैं? कोशिश करूंगा, कोशिश करने से इंसान क्या नहीं कर सकता। तो कोशिश करके बापू के साथ सुना क्यों नहीं कर लेते, ये झगड़ा ही मिट जाए। तुम्हारे बापू अगर बात बात से नाराज हो जाया करे तो उसे मेरा कोई कसूर है? होम्योपैथी के बारे में एक लफ्ज कहता हूँ तो उनकी आग लग जाती। आप होम्योपैथी के बारे में कुछ कहते ही क्यों हैं? वाह वाह, होम्योपैथी में मुझे विश्वास नहीं, फिर भी कहूँ कि अच्छी है। हाँ कहना पड़ेगा। ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा ना? ठीक है, हो या ना हो मेरा क्या है, कल से खुद पकाइएगा और खाइएगा। बापू का हुक्म है, मैं यहाँ नहीं आ सकती। अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? ठीक है। बापू बुला रहे हैं, आप उनसे जाकर कहिए मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, चाहिए ना, चाहिए। ओ जय, आप क्या कुछ कह रहे हैं? मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। जय ऊपर है। जया तो ऊपर नहीं। नहीं, ये तो क्या हुआ? कंपाउंडर बाबू, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। सुनिए सुनिए, राव मैं पूछ रहा था कि अगर किसी के सर में सुबह से दर्द हो तो उसकी कोई दवा है आपकी होम्योपैथी? नहीं, तुम मुझे बुला कर रहे हो? तो होम्योपैथी में सर के दर्द की दवा नहीं? कौन बोलता, कौन बोलता है होम्योपैथी में सर के दर्द की दवा नहीं है? होम्योपैथी में सर का दर्द, आंख का दर्द, नाक का दर्द, मुंह का दर्द, दिल का दर्द, हर दर्द की दवा है। तो मुझे दीजिए ना जरा। नहीं दूंगा, जिन लोगों को होम्योपैथी में विश्वास नहीं है मैं उनका इलाज नहीं करता। देखिए क्या, होम्योपैथी में मुझे विश्वास नहीं था, मगर आज सुबह जब मेटीरिया मेडिका खोली तो उसमें एक सफ़े पर लिखा हुआ था। क्या लिखा था? यही कि होम्योपैथी भी अच्छा इलाज। लिखा था ना, तो फिर हो गई छुट्टी। ये जो आजकल के अनाड़ी डॉक्टर है ना, ये वो सफ़ा पढ़ना ही भूल जाते। मगर मैंने तो पढ़ा था। तुम्हें पढ़ा? तुम बड़े अच्छे लड़के हो। मैं तुम्हारा इलाज करूँ। तुम्हें सर के दर्द की दवा चाहिए? बेस्ट दवा नहीं, अरनिका। अरनिका? हाँ, हर दर्द की दवा अरनिका। अरनिका आओ अंदर, आओ बैठो बैठो। हाँ अब बोलो क्या बात है? सर में दर्द होता है ना? जी हाँ। सर में दर्द होता है तो सर घूमता है या फटता है? जी शायद घूमता होगा। शायद जो होम्योपैथी में शायद नहीं चलता, तुम्हारी एलोपैथी में होता होगा शायद। दर्द कितनी देर रहता है? जब तक उसका जी चाहे। मेरा मतलब ये है कि सारे दिन रहता है। अच्छा ऐसा बोलो ना, सारा दिन रहता है, सारा दिन दर्द रहता है। अरनिका 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 अरनिका, ये लो एक खुराक से तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। ये खुराक अभी खा लो, लो लो। अच्छा चलो कुल्ली कर लो, मैं पानी लाता हूँ। तो मैं इसको अपने कमरे में ले आता हूँ, वहाँ कुल्ली करके अच्छी तरह से खा लूँगा। ए ठीक, अच्छा लो कुल्ली अच्छी तरह कर लेना ताकि ये एलोपैथी की बदबू तुम्हारे मुंह से निकल जाए। जी सर। हाँ लड़का बुरा नहीं, थोड़ा बेवकूफ है मगर है अच्छा। ये लो दवा ले आया अरनिका। अच्छा सब जल्दी से एक फुट पानी के साथ खा लीजिए और चादर तान के सो जाइए, सब रोग दूर हो जाएंगे। सब रोग दूर हो जाएंगे? तो फिर ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही खा लेते हैं। तो आजी आपकी दवा मैं क्यों खाऊंगी? इसलिए कि रोग तो हम दोनों को लगा है। अच्छा घर घर में तुम तो अच्छी हो ना बेटी। हाँ
और आप तो समझो कि मजे में ही हैं, क्यों डॉक्टर? जी हाँ। हाँ अच्छा ही है, मजे में रहना ही अच्छा है। जय जगदम्बे, जय श्री माँ की इच्छा। गोकुल कंपाउंडर आओ, प्रेजेंट आओ आओ, कैसे आए? देखो कंपाउंडर, अगर क्यों? अगर तुम अपनी जवान लड़की को इस तरह डॉक्टर के साथ मिलने जुलने दोगे तो मेरे लिए उसे अपने घर की बहू बनाना मुश्किल हो जाए। नहीं नहीं प्रेजेंट, ये डॉक्टर लड़का अच्छा है। क्या कहा? अच्छा लड़का, डॉक्टर लड़का अच्छा हो गया। हाँ। अरे दो दिन पहले कहते थे कि तुमसे रोज झगड़ा किया करता है, तुमसे बोलचाल बंद है। नहीं, वो बोलचाल खुल गई है, लड़का सचमुच अच्छा है। हो लड़का अच्छा, मगर ये उम्र अच्छी नहीं है। उम्र की बात छोड़ो प्रेसिडेंट, अपनी तुम्हारी क्या उम्र है, फिर भी कोई जवान लड़की नजर आ जाए एक बार छुप के जरूर देखेंगे। जय जगदम्बे। देखो कंपाउंडर, एक बात तुम साफ कह दो कि अपनी लड़की की शादी मेरे शिव से कर रहे हो या नहीं? प्रेसिडेंट जया की शादी शिव के साथ क्या करूंगा? क्यों? सुना वो कान से बहरा है। बहरा है? शिव बहरा है? कौन कह? गांव में सभी कहते हैं, तुमने नहीं सुना? नहीं सुना। तो तुम भी बहरे? देखो देखो कंपाउंडर, मजाक मत करो। बोलो बोलो कौन कहता है, बोलो, मैं खुद पूछूंगा। लो वो रतन आ गया, उसी से पूछ लो। रतन यहाँ हो तो क्या बात है? रतन बेटा, अरे बाप रे बाप रे बाप, आज बड़े खातिरदारी हो रही है, मामला कुछ संगीन नजर आता है। सुनो कंपाउंडर, सुनो पगले की बात सुनो। पूछो पूछो। रतन, मैं अपनी शिव की शादी गोकुल की बिटिया जया से कर रहा हूँ। गोकुल कह रहा है, मना तो नहीं कर सकता। मैंने कब कहा? अरे मैं कहूँ या तुम कहो, एक ही बात है ना। क्यों रतन? क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम ठहरे गांव के मुखिया, गांव के लोगों का उद्धार तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? लेकिन जय की शादी शिव के साथ? अरे वाह 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 प्रेसिडेंट, क्या अच्छी जोड़ी रहेगी है। जोड़ी अच्छी रहेगी, हाथ जोड़ी रहेगी। वो तो सुना है कान से बहरा है, मेरी जय भी बहरी है क्या? अरे पता नहीं कंपाउंडर, किसने तुम्हें कहा है? रतन जानता है, पूछ लो। रतन क्या बहरा है शिव? नहीं 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 नहीं, बहरा नहीं है। कौन कहता है शिव बहरा है? प्रेसिडेंट के लड़के कभी बहरा हो सकता है? हाँ बात यह है, बड़े आदमी का लड़का है ना, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, जोर जोर से बड़ी बड़ी बातें करने से सुनता है। ऐ रतन तो मजाक करता है। ये लो अभी अभी दामाद की तरह खातिर कर रहे थे। आओ रतन बैठो रतन। चुप रह। क्या मैं नहीं जानता हूँ कि किस लिए तू ये शादी तोड़वाना चाहता? क्या जानते हो? गई छुट्टी भाई, मेरे घर में झगड़ा फसाद मत कर। तुम चुप रहो कंपाउंडर, गांव की कोई बात मुझसे छुपी नहीं है। रतन खुद जया से शादी करना चाहता है। वाह वाह प्रेसिडेंट, वाह। मुझसे झूठ कहना चाहता है? अच्छा कंपाउंडर तुम ही कहो, सच है या झूठ, बोलो। रतन की माँ ने एक बार बात तो चलाई। अरे माँ की बात छोड़ो कंपाउंडर, वो तो न जाने क्या क्या कह जाती है। हाँ हाँ हाँ, पोल खुल गई तो हंसी से उड़ाना चाहता है। मेरा लड़का देखने में अच्छा नहीं, कानों से बहरा है, और आप जैसे राजकुमार हैं, रिश्ता बहुत अच्छा होगा कंपाउंडर। झगड़ा लो सास, झगड़ा लो सास, कर दो रतन से शादी कर दो, तुम्हारी लड़की बहुत सुखी रहेगी। अरे सुनो ना प्रेसिडेंट, अरे कौन रतन से शादी करता है? अरे कर दो ना, रतन से हो डॉक्टर से कौन मना करता है। लेकिन कंपाउंडर एक बात कह देता हूँ कि तुम्हारी लड़की की शादी किसी से ना हो पाएगी। जो रंगन अभी से दिखाई दे रहा है उससे शादी से पहले ही। प्रेसिडेंट, रतन भैया। क्या? झगड़ा मत करो रतन भैया। हाँ तो ठीक है, मैं झगड़ा नहीं करूँगा। लेकिन प्रेसिडेंट, गांव की एक मासूम लड़की को तुम खामोखा बदनाम करते फिरोगे, इसीलिए आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वरना तुम्हारी जबर खेचना। कंपाउंडर, तुम्हें गवाही देनी होगी, मैं रतन के ऊपर हद तक इज्जत का दावा लाऊंगा जरूर। नहीं प्रेसिडेंट, ये दावा मुकदमा ठीक नहीं है, मैं अपनी बेटी के बारे में कोई झगड़ा झंझट नहीं चाहता हूँ। सुनो तुम्हारा शिव बहरा है ना, तो मैं कहता हूँ लंगड़ा लूला भी हो जाए तो मैं जय की शादी उससे कर दूंगा। क्या है, तुम्हारी अकल मारी गई है क्या? तुम गई थी जया के साथ मेरी शादी रचन? तो क्या हुआ, मैंने अब तय कर लिया तेरी दूसरी शादी कर दो। क्यों क्यों, मेरी कोई साथ नहीं है क्या? 7 साल हुए सब्र किए बैठी हूँ, देखना। ले सुन सुन। रहने दो ना माँ, अगर थोड़ी देर के लिए पराए बच्चे से ही दिल बहलाती है तो बहलाने दो।
मैं भी दूसरी बहू ले आती हूँ। अगर जया तुझे ना पसंद है तो दूसरी लड़की खोज कर ब्याह लाऊंगी। हाँ, वही करो, ब्याह लाओ। चले कुछ तारे मीठे सपनों के तारे, ये चांद के रथ से कुछ दिया पुकारे, सो जा सो जा करे। चले कुछ तारे मीठे सपनों के तारे, ये चांद के रथ से कुछ दिया पुकारे, सो जा सो जा करे। जब तलक जमीन पे चांद ख्वाब लेके आए, मेरी गोद में सुलला जन्म जन्म आए, सदा मुस्कुराए। जब तलक जमीन पे चांद ख्वाब लेके आए, मेरी गोद में सुलला जन्म जन्म आए, सदा मुस्कुराए। मैंने गम के दिन गुजारे किसी याद के सहारे, सोजा सोजा प्यारे। मैंने गम के दिन गुजारे किसी याद के सहारे, सोजा सोजा प्यारे। चले तुमको तारे मीठे सपनों के तारे, ये चांद के रथ से कुछ दूरियां पुकारे, सोजा सोजा प्यारे। रत्न दीप जिसके घर नजिल मिलाए, उसके दुख में रात सदा रोती रोती जाए, कैसे चैन पाए। उसका रत्न दीप जिसके घर नजिल मिलाए, उसके दुख में रात सदा रोती रोती जाए, कैसे चैन पाए। बड़े भाग हैं हमारे तुझे जिंदगी सहारे, सोजा सोजा प्यारे। बड़े भाग हैं हमारे तुझे जिंदगी सहारे, सोजा सोजा प्यारे। चले तुम कुछ तारे पीछे सपनों के द्वारे, ये चांद के रथ से कुछ दूरियां पुकारे, सोजा सोजा प्यारे। माया, तुम रो रही थी? नहीं तो तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम भूख लगी थी क्या? लेकिन मैंने कभी तक खाना ही नहीं बनाया। देखो ना, निर्मल अपने बेटे को यहाँ रखकर चले गए और ये शैतान मुझे छोड़ता ही नहीं। इधर उधर की बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मैं सब जानता हूँ मैडम, लेकिन इस तरह रो रो कर तुम्हें क्या मिलेगा? अब जाओ, जल्दी से रसोई चढ़ा दो, नहीं तो माँ फिर बड़बड़ाने लगेंगे। मुन्ने को मैं देखता हूँ। देखना क्या है, देखते रहने से ही काम नहीं चलेगा बिहारी। अगर जया की शादी शिव से करानी है तो उस डॉक्टर को इस गाँव से निकालना ही पड़ेगा। शहरी आदमी है, कोई भरोसा नहीं। किसी दिन छोकरी को लेकर गांव से भाग गया तो? जी हाँ, कोई भरोसा नहीं। तो दादा, फिर डॉक्टर को गांव से विदा करने का कोई बंदोबस्त करो ना। वो तो मैं करूंगा, लेकिन मेरे अकेले करने से क्या होगा, पंचायत भी तो है। दादा की बात, पंचायत तो तुम ही हो,
कोई भला तुम्हारे खिलाफ जाएगा? जो तुम कहोगे वही सब दोहराएंगे। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे अंदेशा है। अरे वो रतन की वजह से वो सीधी तरह से थोड़ा ही मानेगा। सीधे नहीं तो टेढ़े सही, छल बल कौशल इनसे काम लो। कौशल? हाँ ये तुमने ठीक कहा बिहारी। जी हाँ, डराने धमकाने से रतन राह पर नहीं आएगा। लटकंवार आदमी है, सच पूछो तो दादा उसे देखते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। कुछ ऐसी तदबीर निकालो कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। बिहारी एक काम करो, खबर कर दो कल सुबह होते ही सब काली मंदिर में आ जा, कहना जरूरी मीटिंग है, समझे? रतन के बारे में वो मैं देख। तो दादा फिर मैं चलूं? हाँ हाँ। जय जगदम्बे। बात क्या पूछते हो? बात बहुत बढ़ चुकी है, अब हम लोग बात पूछने आए हैं। क्यों प्रेसिडेंट? हाँ क्यों डॉक्टर साहब, कर क्या रहे थे? जो चेहरे और हाथ में कालिक लगी हुई है। अंगीठी सुलगा रहा था। वो क्यों? कंपाउंडर बाबू ने कहा है कि अब से मुझे अपने साथ नहीं खाने देंगे। अच्छा, तो इसीलिए उसकी लड़की आई थी आपकी अंगीठी सुलगाने के लिए। अच्छा है, अच्छा है, सुंदर और जवान लड़की हाथ बटाने के लिए मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आपसे मुझे ऐसी बात सुनने की उम्मीद न, यही ना। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे भी हमें ये उम्मीद न, गांव वाले आखिर अंधे तो नहीं है और पहले भी नहीं है, हमें सब पता है, दोनों नदी किनारे गाना गाते हैं। गाना? कमाल कर दिया उस्ताद, गाना भी गा चुके। शाबाश। अब आप ही बताइए गांव में किस घर में बोबे क्या नहीं होती? हाँ बताइए भला, आप जैसे मुनिया की माँ को आज चार पांच दिन से बुखार आ रहा है, मगर इस डॉक्टर को मैं किस भरोसे पर घर बुलाऊं? ठीक, बिल्कुल ठीक कहा बिहारी काका। खबरदार डॉक्टर को कभी नहीं बुलाना, वरना किसी दिन तुम्हारी घरवाली को ही लेकर भाग जाएगा। हाँ? सुना सुना प्रेसिडेंट, रतन की बात का लहजा सुना। अरे तुम लोग आपस में झगड़ते रहोगे क्या रतन? हाँ बकवास करता रहेगा या काम की बातें करने देगा? अच्छी बात है, मैं चुप रहता हूँ, तुम चालू हो जाओ। देखिए डॉक्टर साहब, गांव के लोग कहते हैं और ये पांच पंचों की राय भी है, समझे कि नारायण कह रहे हैं, बड़े बूढ़े आदमी हैं, मानो कि इतनी सी सीधी बात कहने में अटक गए। अच्छा मैं बोलता हूँ। नहीं बाबा, मुझे तो चुप रहने के लिए कहा गया है, मैं नहीं बोलता। नहीं नहीं बोलना है? हाँ बोलो। हाँ बोल बोलो। हाँ हाँ अच्छा तो बोल ही दूं, क्यों डाक्टर? कहो। तुम्हारा पत्ता कट गए काम से। क्या मतलब? मतलब ये है कि इस गांव से तुम्हारा दाना पानी उठ गया, चंदन गांव में अब तुम रह नहीं सकते। मगर मैंने कसूर क्या किया? कसूर क्या है? किया है, अगर नहीं भी किया हो तो कसूर हम लोग बना सकते हैं। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं डॉक्टर, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, क्यों प्रेसिडेंट? नहीं ए, रतन तू चुप रह, जो कुछ कहना है मैं कहूंगा। हाँ, हाँ, हम सब लोग खुद ही कहेंगे। कहो प्रेसिडेंट, तुम ही कहो। सुनिए डॉक्टर साहब, इस दवा खाने के लिए ये लोग कोई पुराना तजुर्बे का डॉक्टर चाहते हैं, इसीलिए दरख्वास्त लेकर मेरे पास आए। मैं कहना चाहता था कुछ भी हो इसमें बदनामी आपकी है, बेहतर यही होता कि आप खुद ही इस्तीफा दे दें। अच्छी बात, अगर आप लोग मुझे नहीं चाहते तो मैं चला जाऊंगा। बाबा बाबा डॉक्टर, वो क्या बात कही है तुमने, क्या बात। क्यों नहीं, कुछ भी हो पढ़े लिखे बुद्धिमान आदमी ठहरे। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ फिर? जो कभी शराब भांग नहीं पीता, किसी की बुराई नहीं चाहता, बिना स्वार्थ के सबकी भलाई करना चाहता है, वो कभी बुद्धिमान हो सकता है? अरे वो तो महामूर्ख है, गधा है, गधा। क्या मतलब, तो कहना क्या चाहता है? नहीं मैं कहना कुछ नहीं चाहता हूँ, मेरी समझ में सिर्फ यही नहीं आता
कि पहले तो तुम डॉक्टर के यहाँ लाए ही क्यों और अब निकालना क्यों चाहते हो? मैं निकालना चाहता था। अरे ये सब गांव वाले, ये नारायण, जानकी दास, बंसी, बिहारी, यही लोग तो मेरे पास दरखास्त लेकर आए। दरखास्त? हाँ हाँ, ये देखना दरखास्त, जहन में जाए तुम्हारी दरखास्त। क्या नाम मतलब प्रेसिडेंट, हम उसे इन्हें बदनाम क्यों करते हो? तुम जो कहो ये सब वही करेंगे। ये सब आदमी नहीं है, जानवर है, जानवर है, तभी तो अपना भला बुरा सोच नहीं पाते। डॉक्टर, तुम इन लोगों की बातों पर नाराज होकर चले मत जाना। ये लोग सब नाचार है, नाचार है। इनके दिनों प्रेसिडेंट के लिए ना आपकी इज्जत है ना प्यार है। डर है डर, ये सब प्रेसिडेंट से डरते हैं। डॉक्टर, प्रेसिडेंट से डरते हैं। एक रतन लाल कानूनी काम मत कर, इन लोगों को भड़काना चाहता है। जानता है कि मैं तुझे पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। ये धमकी इन लोगों को देना, मुझे नहीं। अच्छा, मैं तुझे जेल की हवा न खिलाऊ तब कहना। गुस्सा मत दिलाओ प्रेसिडेंट, गुस्सा मत दिलाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं अपने पाप को भी नहीं छोड़ता। मैं अकेला होता तो जेल की परवाह नहीं करता। मेरे घर में माँ है, बीवी है। अगर मुझे जेल जाना पड़ा, तुम्हारी वो मान मत सुनकर बाप का भी नाम पूछा। मेरी ये मजाक सुन लिया तुम लोगों ने, सब कोई गवाही दोगे। मैं थाने चलता हूँ, चलो जवाना, चलो। वो यहाँ से कदम भी नहीं उठाएगा। उठाया तो किसी टांगे तोड़ दूंगा। प्रेसिडेंट, रिपोर्ट करना है तो अकेले जाओ, कराओ रिपोर्ट, देखता हूँ तुम क्या करते हो। डॉक्टर, डॉक्टर, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। डॉक्टर, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मैं देखता हूँ इस गाँव से तुम्हें कौन निकलता है, मैं इसकी जान ले लूंगा। ये बात है, तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। चले आओ, क्यों गए? मैं अब तो जाता हूँ, लेकिन तुझे जेल की चक्की न पिटवाई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। दादा, अपना नाम बदल दे, तेरे जैसे तस्वीर खूब देगा। दादा, अरे छोड़ो। रतन भैया, खूब नीचा दिखाया। चल चल भाग जा। छी छी रतन, इतना गुस्सा करते हो, खामखा मेरे वास्ते इतना झगड़ा किया। बदमाश, मुझसे बात मत कर। उस दिन तुम्हें इतना समझा फिर भी तुमने सुनाई नहीं। ये क्या अपना शहर बना रखा है, जहाँ मर्जी आए नाश्ते खाते फिरोगे? मैं पूछता हूँ, यहाँ डॉक्टरी करना आई हूँ, लड़कियों से दिल पहले ना आयो। रतन, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम मरो डॉक्टर, डूब मत। जय, चलो चलो चल। देखा बिहारी, डॉक्टर का माकूल इलाज हो गया ना। अरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब देखो कौन बुलाता है उसे। जो भी बुलाएगा समाज से बाहर। देखा इसका नतीजा? नतीजा सामने है दादा, बाजी मार। अब क्या चिंता है? तो दादा, अब की होली का त्यौहार जरा धूमधाम से मनाना चाहिए। हाँ हाँ दादा, बस अब 3 ही दिन तो बाकी है। हाँ हाँ, होली तो जरूर धूमधाम से मनाई जाएगी। और अगर जरा ये रतन को नीचा मैं दिखा सकता। अच्छा डॉक्टर, उस दिन गुस्से में न जाने क्या क्या कह गया। आज एक बात पूछूं? पूछो। जया को तुम सचमुच प्यार करते हो या उसकी जिंदगी से खेल रहे हो? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये कैसे कह सकते हो, शहरी आदमी हो ना, सच्ची बात मुझसे निकलेगी नहीं। काका जल्दी चलो, बापू का हालत बहुत खराब है। अरे मैं जाकर क्या करूंगा, डॉक्टर को ले जाना। माँ ने तुम्हें बुलाने को कहा था, प्रेसिडेंट ने कहा डॉक्टर को कोई नहीं बुलाएगा। प्रेसिडेंट को ही बुला कर ले जा, मैं नहीं जाता। चलो ना रतन काका। जा बाबा यहाँ से, रंगे एक मत। रतन, ये कौन लड़का था? अरे वही जीवन महाराज का बेटा। क्या कहूँ डॉक्टर, गाँव अब रहने के काबिल नहीं रहा। यहाँ इंसान नहीं, जानवर बसते हैं, जानवर। इसमें बेचारे गाँव वालों का क्या कसूर है? ये तो बेपढ़े लिखे जाहिल लोग हैं। तुम्हारा सर, लिखने पढ़ने से जहालत थोड़ी दूर हो जाती है। तो फिर बताओ, बताओ ऐसा कहते नहीं। ये सब प्यार के भूखे हैं डॉक्टर, प्यार के भूखे हैं। मेरा दिल तड़प उठता है जब मैं देखता हूँ इंसान इंसान से नफरत करता है, प्यार नहीं। अरे औरों की बात छोड़ो, पति पत्नी में प्यार नहीं होता। दिन रात खटपट लगी रहती है, फिर भी देखो बच्चों पर बच्चे पैदा होते जाते हैं। अच्छा डॉक्टर, तुम ही बताओ, जिन्होंने दिल में आग लेकर जन्म लिया उन्हें शांति कहाँ से मिलेगी? अरे तुम्हारी और मेरी हस्ती क्या, स्वयं भगवान भी फेल हो जाएंगे। रतन भैया, तुमने और माया भाभी में सब प्यार है ना? ओ डॉक्टर, ये लड़की भी प्यार की बात करने लगी। अरे मेरी बात तो सारा गाँव जानता है और तू नहीं जानती।
यही तो मुसीबत है डॉक्टर। माँ सोचती है बहू ने मुझ पर जादू टोना कर रखा है, इसीलिए दोनों दिन रात झगड़ती रहती हैं। मैं भला क्या करूँ? करोगे क्या, गांव भर के साथ झगड़ा करते फिरो और बैठे बैठे शराब पियो। सुना सुना डॉक्टर, तुमने इतना लेक्चरबाजी करके मेरा शराब पीना छुड़वाया, इसने फिर नाम ले लिया। यहीं से मन मजाज बिगड़ा हुआ, जी करता कहीं जाकर एक घुट पी कर आऊं। अरे हाँ, अब मैं चलूं, न जाने जीवन के बेटे ने वहां जाकर क्या क्या लगाया होगा। अच्छा डॉक्टर, मैंने क्या सचमुच कहा था वहां नहीं जाऊंगा? नहीं कहा था ना? अच्छी मुसीबत। ये आज आप इधर कैसे तशरीफ लाए? कंपाउंडर बाबू ने मना किया था ना, अगर उन्होंने देख लिया तो नाराज नहीं होंगे? बापू नाराज हो या ना हो, मगर मेरा यहाँ आना शायद आपको पसंद नहीं आया। जया, क्या कर रहे हो? उधर बाप मर रहा है, तुम्हें उधम बचाने की सुनो। पहले ये तो सुनो बात, नहीं आते नहीं आते तो मैं क्या करूँ? करोगी क्या माँ? नाचो ठुमक 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 ठुमक। ये सब क्या हो रहा है भाभी? तुमने तो घर को बिल्कुल नरक बना रखा है, क्या कर रहा है? मारो मारो लाला जी, और दो चार हाथ मारो, मेरा जी जुड़ा गया। तुम बताओ लाला जी, मैंने कौन से ऐसे पाप किए हैं जो ऐसे नाराज पैदा? ऐसे लड़के तुम्हारे यहाँ नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? तुम दोनों मियाँ बीवी में इतना प्यार जो है। चलो तो भाभी, तो अच्छा मैं डॉक्टर से लेकर आता हूँ। लाला जी, अगर डॉक्टर को बुलाओगे तो बिरादरी से निकाल दिए जाएंगे, घर में सियानी सियानी लड़कियाँ हैं, उनका ब्याह भी तो करना है। सुने मैं जाए ब्याह शादी, यहाँ तुम्हारा आदमी दम तोड़ रहा है और तुम लड़कियों के ब्याह की सोच रही हो। मैं क्या कहूँ तुम लोगों को, डूब मरो कहीं जाकर, डूब मरो डूब मरो। जल्दी देखो तो डॉक्टर, सो गए हैं क्या? हाँ रतन, सो गए हैं, अब ये नींद कभी नहीं टूटेगी। रतन, डॉक्टर इन्हीं लोगों के वास्ते उस दिन प्रेसिडेंट से झगड़ा किया था, सोचा था तुम्हारे रहने से बगैर इलाज के कोई नहीं मरेगा। और रतन तुम रो रहे हो? नहीं रोऊंगा क्यों, किसके लिए रो? अच्छा डॉक्टर आप सुन जाओ, मैं मुर्दे को मरकट पहुंचाने का बंदोबस्त करो। एक बार जब तुम यहां आ गए तो अब और कोई नहीं आएगा, आए चाहे नहीं आए, मरने से बचा नहीं सका तो क्या, जलाने के लिए मैं अकेला ही काफी। नहीं बेटा, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। आप तो आजकल मुझे देखकर ही नाराज हो जाते हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो। दो तीन दिन से आपको खाने पीने की बड़ी तकलीफ हो रही है, न जाने आप कैसे बनाते खाते होंगे। मेरी एक बात मानेंगे? क्या? आप रतन भैया के यहाँ खाने का बंदोबस्त कर लीजिए। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जया, मैं सोच रहा हूँ कि हाँ कंपाउंडर बाबू कहाँ है? बापू लोगों से छोले मिलने गए हैं। ओ, तुम नहीं गई? नहीं। क्यों? आप बापू को क्यों पूछ रहे थे? मैं चाहता था कि डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। कौन कौन? झूमर। हाँ डॉक्टर बाबू, हमारी बस्ती में हैजा फैल गया, सवेरे से चार पांच आदमी बीमार पड़ गए। हैजा फैल गया? हाँ डॉक्टर बाबू, कल गोली चली ना, सबने अनशन खा लिया। तुम जल्दी चलो, जल्दी चलो डॉक्टर बाबू। अच्छा अच्छा तुम ठहरो, मैं अभी आता हूँ। अच्छी बात है। क्या बात है? मच्छरों की बस्ती में हैजा फैल गया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। आप जरा ठहर जाइए, मैं कुछ बनाए लाती हूँ, आप खा के जाइएगा। नहीं जाया, मैं वापस आकर खा लूंगा। हाँ
मैं कह रहा था कि मेरा इस गांव में रहना तो बड़ा मुश्किल हो गया है, मगर सोचता हूँ कि कहीं और रहूंगा भी कैसे। तुम तो जानती हो जया कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है, इसीलिए सोचता हूँ कि अगर यहाँ से जाना ही पड़ा तो अकेला ही नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। तुम्हारे बापू को जैसे भी होगा मैं राजी कर लूंगा, उनसे कहूंगा आपकी होम्योपैथी बहुत अच्छी, सबसे अच्छी, मगर जया तुम तो साथ चलोगी ना। जया पानी करे मैंने बिल्कुल अच्छा
मुझे जल्दी जाना है, आप लोग मेहरबानी करके रास्ता छोड़ दीजिए। रास्ता छोड़ दो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे हाथों में भगवान की मूर्ति है, अब तुम इस नीच मछेरे के साथ सांगे पर बैठे हम पर हुकुम चला रहे हो। ऊंच और नीच की पहचान इंसान की पैदाइश से नहीं होती प्रेसिडेंट साहब, बल्कि उसके बर्ताव से होती है। खैर, मेरे पास इस बहस के लिए वक्त नहीं है, मुझे मरीजों को देखने जाना है। आप मेहरबानी करके रास्ता छोड़ दीजिए। अगर जाना है तो तांगे से नीचे उतर कर पैदल चले जाओ ना। तो आप लोग सामने से नहीं हटेंगे? नहीं नहीं छोड़ के चले जाए। हाँ झूमर, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जरूर कोई बात है, आज साल भर का त्योहार और तूने घर में पड़े पड़े दिन बिता दिया। हाँ हाँ बिता दिया, अच्छा किया। अब जाओ अपना काम करो। चूर है क्या? हाँ छोटा बच्चा है, खेलते खेलते गिर पड़ा होगा। माँ माँ माँ, मैं बच्चे को बरंदे में बिठा कर रसोई चढ़ाने गई थी और तुमने इसे नीचे उतार दिया। अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पहुँच गई, नहीं तो गायनी से मार ही डाला होता। इसीलिए तुम दौड़ कर मुझे मारने चली आई। देखा, सुन ले माँ की बातें, वो क्या सुनेगा। हाँ मैं छोड़ आई थी, पराए बच्चे को लेकर इतना लाड़ प्यार करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम लोग चुप भी रहोगी या मैं घर छोड़कर चला जाऊँ? क्यों चुप रहो, क्यों चुप रहो? ठीक है तो अब चिल्ला, जोर जोर से चिल्ला, गला फाड़ कर चिल्ला। रतन भैया क्या है, भाभी कहाँ है? चूल्हे में। मुझे देख के भावा सुन जा रहा है, चोरी करने का इरादा था क्या? नहीं, क्या कहती हो काकी, मैं तो इधर से जा रहा था, सोचा पूछता जाऊँ, बहू शायद कोई नए गहने बनवाए। बहू नए गहने बनाएगी? अरे यहाँ प्राण जल रहे हैं और तुझे नए गहनों की पड़ी है। चल भाग भाग, बहनों ने कुछ नहीं बनवाने बस। अच्छी अच्छी बात है, अच्छी बात है। बंसी भैया जी लाए हो ना? क्यों रे? कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे, दिखा दिखा क्या लाया है? नहीं ऐसा कुछ नहीं काकी, बहू ने आपको बताने को मना किया था ना, इसलिए ऐसी कोई भारी चीज नहीं है। अच्छा, अब मुझसे छुपा कर गहने भी बनाए जा रहे हैं। देखो तो क्या घर आया है। क्या देखोगी ना? ये देखो। हाँ बच्चे के कड़े, इसका क्या करोगी? बच्चे को देने के लिए बनवाए हैं। अरे वाह, ये क्या तेरे बाप की कमाई है जो गहने बना बना कर गाँव भर में बांटती फिरोगी? क्या करो, भगवान ने मुझे तो कोई संतान दी नहीं, इसलिए अगर बच्चों को ही अपना समझ कर कुछ दे दूं तो क्या है। बस बस, अपने तो भाग फूटे लाई है, अब दूसरे के बच्चे को लेकर उसका भी सत्यानाश कर। आपका दिल पत्थर का है क्या? निर्मला का एक ही तो बेटा है और उसके लिए भी आज त्योहार के दिन आपने ऐसी बात कह दी। निर्मला माया आओ, ये लो संभालो अपने बच्चे को। क्या हुआ, तुमने समझ क्या रखा है? मुझे कोई काम काज नहीं है क्या? जब देखो अपने बच्चे को मेरे घर छोड़ जाती हूँ। क्या तुम ये चाहते कि मैं अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे बच्चे को ही संभाला करूँ? बस बस रहने दो, इतना गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं, लाओ मेरे बच्चे को। मेरा राजा बेटा। ये हंसने की बात नहीं निर्मला, मैं सच कहती हूँ, अपने बच्चे को मेरे घर कभी मत भेजना। और आए बच्चे को पाल पोस कर मुझे क्या मिलेगा, क्या वो मुझे कभी चाहेगा?
मुझे माँ कहकर पुकारेगा। बात क्या है माया? कुछ नहीं। ये बना मेरी तरफ से बच्चों को पहना देना। जय बच्चे रुके यहाँ गए हैं। तो मैंने जो कुछ सुना ये सच है? हाँ जी जी जी। अब मैं डॉक्टर को मुंह कैसे दिखाऊंगा? गांव की भलाई के लिए मैंने उसे रोक लिया था, अब ये गांव वाले ऐसे नासुक ऐसे नीचे, मैं कैसे सुनूं? जय भगवान भी अन्य नहीं सहेंगे, सारा गांव तबाह हो जाएगा। अरे तू रो क्यों रही है जय? मैं सब समझती हूँ। आज वो निर्मला का लड़का नहीं आया, इसलिए तुम उलटकाए बैठी है, दिन भर खाना भी नहीं खाए। ये चरित्र मत दिखा, जो बोलना है मुंह से बोल। क्या बोल? आपकी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए। मुझे बच्चा नहीं होता यही, इसके सिवा मैंने और क्या अपराध किया है? मेरा कलेजा पत्थर का तो नहीं? आपकी ये बातें मुझसे नहीं सुनी जाती। बहू, मैं तुम्हारा दर्द जानती हूँ। जब तुम खुद भी समझती हो कि तुम्हें बाल बच्चा नहीं होगा, तो मेरी बात मान लो। दूसरों के बच्चे पर ममता रखने के बजाय सबके बच्चे को ही प्यार कर लेना। तुम खुद ही रतन के नहीं, नहीं ऐसा न कहिए। क्यों, इसमें हर्ज क्या है? तुम मेरे लिए तब भी ऐसी ही रहोगी जैसी अब हो। तुम रतन से कहो वो दूसरी शादी करे। ये मुझसे नहीं होगा, मैं अपने हाथों तो अपनी दुनिया नहीं उजाड़ सकती। ठीक है, अपने पुरखों का घर उजाड़ कर तुझे शांति मिलती है तो तू ही इस घर में, मैं ही कहीं चली जाती हूँ। हे भगवान, मुझे ये दिन भी देखना था कि अपने ससुर के खानदान में कोई दिया जलाने वाला भी न रहे। सुनो माँ। क्या सुनो? वो राजी हो जाएंगे, तुम समझा कर कहोगे तो वो जरूर राजी हो जाएगा। अच्छी बात है, अगर इसी में आपकी खुशी है तो मैं जरूर उनसे कहूंगी, जरूर कहूंगी। सच कह रही हूँ बहू? माँ, माँ, वो रतन आ गए। ओ माँ, मैं जाकर कहती हूँ उसे। तुम लोग कैसी लापरवाह हो, नीचे का जाकर देखा, अब तो बहू भी राजी हो गई। राजी हो गई? उसने खुद मुझसे कहा है कि तू दूसरी शादी कर। माया ने कहा? हाँ, कह रही है उसे कोई इतराज नहीं। तो जा, जा ना, खुद ही पूछ ले, मैं नीचे जाती हूँ। माया, सुनो माया, तुमने माँ से क्या कहा? तुमने कहा है मैं शादी करूँ? बोलो ना, चुप क्यों? क्या ये सच है? बोलो, ये सच है? रो मत माया, मैं जानता हूं ये तुम्हारे मन की बात नहीं, ये बात तुम सोच नहीं सकते। दीदी, तुमने कहा था ना माया के लिए एक ताबीज ला दोगी? ओ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, इस गृहस्थी के जंजाल में कुछ याद भी रहता है। अब की जरूर ला दूंगी, कल का झमेला और मिल जाएंगे। सुना तूने, कल शिव की शादी है। शिव की शादी किसके साथ? और किसके साथ होगी, उसी कंपाउंडर की लड़की जया के साथ हो रही है। जया के साथ शिव की शादी, और कल? मगर मुझे तो किसी ने बताया नहीं। बताएगा कौन, चोरी चोरी तो सब इंतजाम हो रहा है। अभी अभी कंपाउंडर आया है, दादा और वो ऊपर वाले कमरे में लेन देन तय कर रहे हैं। दादा कल ही शादी कर डालना चाहते हैं, कहीं फिर कोई बखेड़ा न हो जाए। लेकिन ये काम अच्छा नहीं होगा दीदी। ये तो मैं भी जानती हूँ, मगर कहो किससे, सबकी अकल मारी गई है। अच्छा रतन, हाँ। तू ये शादी किसी तरह रोक नहीं सकता? नहीं दीदी नहीं, दूसरों की भलाई की बहुत फिक्र कर चुका, अगर कोई खुद अपनी भलाई ना चाहे तो मैं भला क्या कर सकता हूँ।
इसकी जो मर्जी हो क्या करे, मेरी प्लस। लेकिन जय की शादी शिव के साथ होने तो मेरा क्या है। हाँ दीदी, अब की बार माया के लिए ताबीज जरूर ला देना। तो यहाँ क्या कर रही है? कल तेरी शादी और अकेले रहने की, ये तूने अच्छा नहीं किया। तुमने सुना है रतन भैया, मेरी शादी शिव के साथ हो रही है। शिव के साथ नहीं होगी तो क्या मेरे साथ होगी? जरा चली जाए यहाँ से, ऐसे ही मेरे मन मिजाज अच्छा नहीं। रतन भैया, क्या है? हमेशा सुनती आई हूँ तुम गांव में सबकी मदद करते हो, सबके दुख दर्द में काम आते हो। झूठ है क्या ये सब कहने की बातें हैं? मैं समझ गया तू क्या कहना चाहती है। अगर तेरा बाप तुझे जानबूझकर कुएं में गिरा दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? तू है हमारे देश की लड़की, हिंदू नारी, बाप जी संदेह बहरे के साथ ब्याह देगा, उसके साथ गृहस्थी निभाएगी, जिंदगी भर रोएगा, रोते रोते मर जाएगी। अगर तेरी किस्मत में यही लिखा है तो चाचा मजा मजा। भैया, तुम ठीक कहते हो, मेरा मर जाना ही अच्छा है। देख लेना, ये शादी नहीं हो पाएगी। तो शहद खा लूंगी, नदी में डूब मरूंगी। हाँ, डूब मत, डूब मत। क्या हो रहा है? तालीम चल रही है रतन भैया, तालीम। और कल शिव की शादी है ना, तो हम लोग वहाँ थिएटर करेंगे। बेटा, थिएटर करोगे? ब्याह की खुशियाँ मनाओगे? वाह वाह, बहुत अच्छे। तुम सब गांव के भविष्य हो, लायक सुपुत हो, ऐसे मौके पर खुशियाँ तुम नहीं मनाओगे क्या? और भी मनाएगा? चलो चलो, मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ। ए बंदूक क्या बजाओ, नाचो गाओ। तुम तो बिलावजे नाराज होते हो रतन भैया। अब अगर जया का बाप जबरदस्ती उसकी शादी उस बहरे से कर दे तो हम लोग क्या कर सकते? क्यों जबरदस्ती क्यों करेगा? गाँव में और कोई लड़का नहीं है क्या? वो नया डॉक्टर ही तो है, उसके साथ शादी कर देता तो क्या जया को फांसी लग जाते? हम लोगों ने तो यही सोचा था कि जया की शादी डॉक्टर के साथ ही होगी। सोचा था, अच्छा किया था। सोचो सोचो, इसी तरह सोचो और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। बैठे क्यों रहेंगे? तुम एक बार कहे भर दो, फिर देखो हम शादी रुकवा सकते हैं या नहीं। शादी रुकवा सकते हो? वो कैसे? कैसे? अरे रतन भैया, शिव को पकड़ कर बम मार लगाए, बम मार लगाए, फिर तीन चार महीने तो खटिया से उठकर पानी ना मांगते। माफी? नहीं नहीं नहीं, मारपीट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मारपीट करना ठीक नहीं। अच्छा तुम लोग जो कर रहे हो करो, मैंने बेकार आकर तुम लोगों के आनंद में दखल दिया। अरे वो कहाँ है? वो रामू रामू जो अभी भी नाच रहा था, वो खुले मटका रहा था, किधर गया वो? तुम्हारे घर से नीचे चल गया है। अच्छा, ए रामू निकल निकल भाई। ये रहा, क्या बात कर रहा है तू? श्रीमती मंजरी मारे शर्म के छुई मुई बना जा रहा है। जया, मैं तो सोच रहा था कि तुमसे मुलाकात भी ना हो सकेगी। कंपाउंडर बाबू तो मुझे देखते ही मुंह फेर के चले गए। खैर, तुम उनसे कह देना कि मुझे गोपालपुर के अस्पताल में नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई है? तब तो आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ जया, कितनी उम्मीदें और कितनी आरजुएं लेकर इस गांव में डॉक्टरी करने आया था, मगर अब जाने के सिवाय कोई चारा ही नहीं। एक इत्मीनान जरूर रहेगा कि गोपालपुर में रहकर कम से कम तुम लोगों से करीब रहूंगा, एक उम्मीद बंधी रहेगी।
कि शायद कभी मेरी जरूरत पड़ जाए तो मैं फिर वापस आ सकूं। आपकी जरूरत अब कभी नहीं पड़ेगी और आपको तकलीफ उठाकर यहाँ आना भी नहीं पड़ेगा। मैं सब समझती हूँ, मैंने सबको पहचान लिया है। जया, तुम तो मुझे गलत ना समझो। जया, मैं गलत नहीं समझ रही। गलत मैं उस दिन समझी थी जिस दिन आप यहाँ आए थे। रतन भैया ने ठीक ही कहा था, डॉक्टरी के बहाने आप किसी की जिंदगी से खेलने आए थे। आप धोखेबाज हैं, आप झूठे हैं। किस्मत ले जाए, दुनिया पर आई
लोग पराए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सौ जाल बिछाए, आंखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले साए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। बड़े आए थे शादी को बुलावा देने, कौन जाएगा? माया भाभी। भाभी कहाँ है ताई जी? क्यों, क्या काम है भाभी से? इसे यहाँ पटकने आई है ना? नहीं, निर्मला जीजी ने पूछा है भाभी गया के ब्याह में नहीं जाएगी। बड़ी खुशी की शादी हो रही है, जो जश्न मनाने वहाँ जाएगी वो नहीं जाएगी शादी होती में। चल भाभी यहाँ से चल। एमली, अच्छा तो ये कड़े इसे पहना भी दिए गए हैं? बहू, अरे वो बहू, चल उतार उतार ये कड़े। बाबा मैं कैसे उतारूंगी, निर्मला जी नाराज होंगी ना। अरे नाराज की बच्ची, मेरी चीज है मैं लूंगी, उसका क्या? चल उतार। क्या हुआ ना? जैसे कुछ जानती ही नहीं, वो दिन तुझे मना किया था ना, फिर भी ये कड़े से पहना दिए। आपको जो कुछ देना बाद में कहिएगा, जाओ मनी तुम घर जाओ। हैं? जाएगी कैसी? ए मनी ठहर तो जरा, ठहर, चल उतार उतार ले। कैसी बातें करती हो माँ, बच्चे को जरा सी चीज थी वो कैसे उतार ली? तू नहीं उतार सकती तो मैं उतार लेती हूँ ना। छोड़ दो ना। यही मेरे दुर्दशा करने बाकी थी, वो भी आज कहता नहीं बहू बेटी का मार खाने को। अब मैं ना जाऊंगी, मुझे चाहिए मगर घर छोड़ के नहीं जाए। अगर आप नाराज होकर चले जाएंगे तो मैं अब नहीं देखेंगे। लाल लगे हैं तेरे मुंह में, मांस का मुंह सुबह शाम देखने को मैं नहीं रहूंगी इस घर में। रावण, शाबाश बेटा, तेरा पाठ अगर अच्छा हुआ मैं तुझे सोने का मेडल दूंगा। जल्दी चलो, माया भाभी ने तुम्हारी माँ को मारा, उनका सर फट गया। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तू झूठ कह रहा है। सच कह रहा हूँ, तुम खुद ही चल के देखो ना, तुम्हारी माँ तो हमारे घर में। चल चल जल्दी चल। वो पन्ना कहता था तुम्हारी बहू ने कहा कि कुमारा के सच बात है। ये सब क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारी बहू ने अभी कुमारा? हाँ हाँ मारा है तो तुम्हारा क्या है, अपना घर संभालो। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या, बताओ ना। काफी क्या बताएंगे लाला जी, तुमने ही तो अपने बहू को सर पर चढ़ा रखा। रहने दो भाभी, ऐसे ही तो हमारे घर में आग जल रही है, अब घी क्यों डालती? चलो ना माँ। मैं नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी पर उस घर में नहीं जाऊंगी। हाँ क्यों? क्यों बहू के हाथ मार खाने जाएंगी? देखो लाला जी, हम लोगों पर गुस्सा नहीं करके पहले अपनी बहू को संभालो, जरा उस पर दबाव रख। हाँ हाँ रखूंगा रखूंगा, दबाव कैसे रखा जाता मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या तुम चाहती हो तुम्हारी वजह से गांव में किसी को मुंह ना देगा, गांव छोड़ के चला जाऊं क्या? क्यों? मैंने क्या किया? क्या किया है कुछ, तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा गांव आज मेरी तरफ उंगली उठाता कि मेरी वजह से तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, मैं कुछ बोलता रही थी तुमने वहां पर हाथ उठा दिया। तो माँ जी ने ये बात कही है तुमसे? माँ क्या कहेगी, सभी कह रहे हैं, मैं खुद अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से देखा? हाँ, पता तुमने माँ को मारा? नहीं पता। क्या कहा? नहीं बताओगी? तुम्हारी ये मजाक की मेरी बात का जवाब नहीं दोगी? निकल जाओ निकल जाओ मेरे घर। तुम क्या रहे? हाँ मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। नहीं नहीं ऐसा ना कहो, मैंने तुम्हारे लिए तो सबके ताने सुने, मुझे तुम्हारा ही तो सहारा है, अगर तुमने भी मुझे गलत समझा तो मैं नदी में डूब कर मर जाऊँ। हाँ हाँ डूब मरो डूब मरो, तुम्हों को मरना ही अच्छा है, मुझे तो छड़ा मिल जाएगा। मेरी बात तो तुम्हारा 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 तुम्हारा
तुम्हारा मुंह नहीं जिसकी जहां मर्जी हो, मेरा क्या है, मेरा क्या है, मैं भी किसी दिन सब छोड़ सकर चला जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक, मेरे तुम मर मरना ही अच्छा। मैं भी अंदर जाऊं, लड़की की पुकार पड़ने ही वाली है। अच्छा तुम जाओ। दीदी माया कहाँ है? हमारे घर में ही होगी शायद, निर्मला भी है ना। अच्छा यारी, देख लिया किसकी जीत हुई। जय लड़की लो, तुम इधर क्या करती हो? जय कहाँ है? अंदर है। कौन है उसके पास? कमला दीदी है, उन्होंने हम लोगों को बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया? क्यों निकाल दिया बाहर? कमला, ए कमला, जय को लेके आओ। क्या है, क्यों चिल्लाते हो? लो रोटी। क्या बैठे? ए जान उठाना, वरना यही हो जाएगी। लो। अरे गोकुल, आओ आओ, बैठो बैठो। अरे एक दिन में तुमने तो काफी इंतजाम कर दिया। जो ही कहती रही। अच्छी समझो प्रेसिडेंट, लड़का तुम्हारा जरा बहरा है गोकुल, मगर कोई बात नहीं, मैंने जय से कह दिया, उनसे बोल लिया करेगी। मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी लड़की को मैं तुम्हारी फिक्र पड़ गया। अजय, अजय, जय, जय। अच्छा अब समझा कि उसी शैतान रतन का काम है। कहाँ है वो, कहाँ है वो पाजी? अब देखा जाकर जो कुछ होगा। तुम जल्दी ऊपर जाकर बैठ, मैं अभी आता हूँ। अरे नीरज की हंसी क्या? मैं कहता हूँ जाती की नहीं। भाभी कहाँ है? न जाने सास बहू दोनों झगड़ा करके कहाँ चली गई है। जा ऊपर जा, मैं अभी लंदन जला के ले आता हूँ। अब चाहे मारो चाहे पीटो, पुरखों का घर छोड़कर जाऊंगी कहाँ? ए कौन है?
मैं हूँ माँ, मैं। तुम आ गई? नहीं, आऊंगी नहीं, अपनी बसी बसाई गृहस्थी यूं ही छोड़ दूंगी। क्यों, कहाँ गई? ऊपर जाकर बैठी है क्या? ऊपर? ऊपर ही तो है, जाओ ना, जाओ इस तरफ बुला के देखो। हाँ, अब मैं ही जाऊंगी मनाने के लिए। क्यों, कसूर तो मैंने ही किया है ना। ला जाओ ना, जाओ जाओ जल्दी जाओ। बाबू, ओ बाबू, अरे कहाँ चली गई? ओ माँ, ओ सास को तो मार पीट कर घर से निकाल दिया और खुद रानी साहब बंसर कर बैठी है। अरे मैं पूछती हूँ, बोलती क्यों नहीं? नवाब दादी उधर मुँह किए क्या खड़ी है, जरा इधर भी तो देख। मैं जया हूँ ताई जी। जया? हेलो, तू यहाँ क्या कर रही है? आज तेरा ब्याह है ना? रतन भैया, मुझे रतन तुझे लाया है? वाह, तो तुम लोगों ने अंदर ही अंदर। ओह, मैं भी कैसी हूँ। अरे ये तो मुझे पहले ही समझना चाहिए था। अरे रतन, ले पकड़ पकड़। अरे रतन, रतन, ओ रतन, तू जया को चुरा कर लाया है? हाँ। अच्छा किया, मैं पहले ही जानती थी तू माँ की बात कभी टाल नहीं सकता। लेकिन वो महारानी कहाँ है? पता नहीं, कहीं रूठ कर बैठी होगी। बैठी रहने दे, मैं भी चोरी चोरी तेरा यहाँ ब्याह कर देती हूँ। कर सकोगी? क्यों नहीं, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती? हाँ वो तो है, आखिर माँ किसकी हो। रतन भैया, जल्दी करो, प्रेसिडेंट सब लोगों को लेकर यही आ रहा है। ठीक है माँ, तुम जल्दी से शादी के इंतजाम कर लो, मैं अभी आता हूँ। और देखो उस जगदम्बा के बच्चे को घर में घुसने मत देना। घर में घुसेगा कैसे, आकर देखे तो सही। रतन, ठहर तो जरा, ठहर जा। रतन, क्या है? अरे चलते क्या, कौन डरता है? रतन कहाँ? कहाँ नहीं है रतन, वो जय को उठा कर ले आया। जय को उठा कर लेकर आया, इतनी रात गए डाकू के तरह, किसी के घर में घुसते हुए शर्म नहीं आती, निकले बाहर। जय गई तो गई, तुम्हारे सिर्फ और लड़की ढूंढ दूंगा। नहीं नहीं, मैं अंदर जाकर तलाशी लूंगा। तलाशी लोगे? तलाशी लोगे? देखो रतन की बात, रतन की बात, मैं जा रहा हूँ। तलाशी लेने आए हैं। अरे वाह, पानी में कूद कर जान देने गई थी, कहो कि मछलियों ने देख लिया तो बचा ली गई। उसको बेचारी को पता भी नहीं कि उसके बच्चा होने वाले। चलो, ऐसे बच्चे कितने होते रहते हैं। और एक हुआ तो क्या हुआ? मेरी बात सुनो, मैंने जुवर को इंजेक्शन लेने भेजा है, वो लेकर आ जाए तो लगा कर सकते हैं। तुम भी अंदर चलो ना, तुम भी अंदर चलो ना। अच्छी मुसीबत खड़ी कर दी तुमने, जुवर आ जाए तो बहुत देर होगी। जानते हो क्या कहते हो? ये मेरी बहू, तुम्हारी बहू, और खुदकुशी करने लगी थी। खुदकुशी? माया, मैंने गुस्से में ना जाने क्या कह दी, और तुमने मेरी आदत जानती हुई। मगर डॉक्टर, तुम अभी अभी क्या कह रहे थे, क्या होने वाला है इसे? ये माँ बनने वाली है रतन। क्या कहते हो डॉक्टर? हाँ हाँ डॉक्टर, मगर अरे मैं तो अच्छी बात भूलेगी। मैं
जल्दी घर चलो, डॉक्टर की शादी है। मेरी शादी? और तुम्हारी शादी नहीं तो क्या, मेरे बाप की शादी है। रतन ये क्या मजाक है, ऐसी हालत मैंने कहा नहीं जाऊंगी। इसकी फिक्र मत करो, मैं इसे समझता हूँ। तुम चलो जल्दी तैयार हो जाओ। अरे मगर मेरी बात तो सुनो। अरे बात पीछे सुनूंगा, तुम चलो चलो चलो। कौन है? मैं हूँ, मैं रतन, रतन। रतन देखो ना, देखो किसको लाया। अपने दोस्त के शादी में आए हो ना, आवा। ओ कहाँ जाती हो माँ? छोड़ मुझे, उसे क्यों ले आए? बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे धोखा देता है। ओ माँ, माँ क्या बात है रतन? अरे बात क्या होगी, मेरे घर में तो सभी पागल है। मैं पागल हूँ, मेरी माँ पागल है, मेरी बहू पागल, सब पागल है। ये क्या है, ये क्या है? कुछ नहीं रतन भैया, वो पुरोहित जी ने कहा था कि कन्यादान के लिए कन्या के पिता की जरूरत है, तो हम उठा लाए। किसका कन्यादान? जया का और किसका? उसकी शादी है ना। किसके साथ? डॉक्टर के साथ। हो गई छुट्टी? हो गई छुट्टी, ठीक है। अच्छा है, हो जाएगी छुट्टी। अरे वाह, हो जाएगी छुट्टी, सोचा होगा। देख कर इरादा बदल दूंगी, वो नहीं होने का। ले रतन, ले कपड़े पहन ले। अरे ये सब पहने जाते हैं क्या? हाँ हाँ पहने जाते सर। अरे बाबा, लो डॉक्टर जल्दी से पहन लो। अरे वाह, वो क्या पहनेगा? और नहीं तो क्या, मैं पहनूंगा, मैं हो क्या गया है। अरे तुम जिसलिए मेरी शादी करना चाहती थी ना, वो तो वो डॉक्टर बताओ ना, आपकी बहू माँ बनने वाली है ना? क्या? रतन ये कपड़े पहनो, मेरा रतन दूसरी शादी नहीं करेगा, मेरा रतन दूसरी शादी नहीं करेगा। डॉक्टर, अरे खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो, जाओ ना जल्दी से कपड़ा पहन लो। जाओ 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 जाओ, कंपाउंडर तुम ही चलो ना। मैंने तो कपड़े पहने हुए, क्या कपड़े पहने हो, चलो ना। चलो चलो चलो। मालिक, मालिक कौन? लुटिया डूब गई मालिक, तुम्हारे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। रतन के घर में जया की शादी हो रही डॉक्टर के साथ। उसकी ये मचाल था। बिहारी चलो। रतन भैया, रतन भैया, जय की शादी जल्दी कर लो, प्रेसिडेंट आ रहा है। आने दो आने दो। अरे बाप रे, मैं क्या था। अरे आओ प्रेसिडेंट, आओ। कुछ नहीं कर, कुछ नहीं। मैंने आज तक बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन आज गुड्डे का खून करा लूंगा। नहीं डॉक्टर नहीं, खून का बदला जो खून से लेता है वो जानवर इंसान नहीं। और अब तो तुम हमारे गांव के दामाद, मारपीट करना तुम्हें शोभा नहीं देता, लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे। प्रेसिडेंट मुझे मारकर बदला तो तुमने ले ही लिया, अब आओ पिछली बातों को भूलकर जया और डॉक्टर को आशीर्वाद दो। ये शादी प्यार की शादी है, इन लोगों की जो संतान होगी वो प्यार की संतान होगी। हमारी और तुम्हारी तरफ उनके दिलों में नफरत की आग नहीं जलेगी। रतन, रतन चलो चलो, तुम्हारे बाबा दादी भगवान जी की शुक्रिया। अच्छी तरह से रहना डॉक्टर, मेरी एक ही बच्ची, इसका ख्याल। रतन भैया, अरे अरे ये क्या है, मेरे पाँव में क्या रखा है? नहीं रतन, तुम जैसे आदमी के पाँव छूने को तो मेरा भी जी कहता है। तुम लोग तो सब लाइन लगाकर प्रणाम करने लगे। पापा को देखना। तू रो रही है? अरे और देखूंगा देखूंगा। कंपाउंडर, अरे तुम भी सिसकने लगे। डॉक्टर जब जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठो, ये सब रोना धोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जाओ ना। अरे क्या मुसीबत, तुम लोग तब इस तरह रोने लगोगे तो मैं भी रो पड़ूंगा। चलो जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ।
गाड़ी वाले, चल जल्दी चल चल चल। कंपाउंडर, तुम सचमुच रोने लगे। आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी लड़की जया अपनी ससुराल जा रही है। वहां के लोग जया को देखकर कहेंगे डॉक्टर की बहुत चंदन खाव की लड़की है। और जया उन लोगों को सुनाएगी अपने काम की कहानी। और आज तुम रोने लगे। मैं रो रही हूं, मैं तो सोच रहा हूं क्या यही कि मेरी तो छुट्टी हो गई। नहीं कंपाउंडर, छुट्टी हो गई नहीं, हो गई छुट्टी, हो गई छुट्टी। के इशारे को यहां ले आए, किसके इशारे मुझको यहां ले आए।